हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो कैपिटल बूस्टिंग चल रहा है हमारा। कैपिटल बूस्टिंग में सबसे पहले क्या किया, बेसिक्स। उसके बाद क्या किया, रिप्लेसमेंट। उसके बाद क्या किया, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। उसमें चार चीज किया। क्या क्या किया भाई उसमें, याद करो याद करो। प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच किया, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह निकाला। उसके बाद हम लोगों ने रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट निकाला और उस अप्रोच से क्वेश्चन बनाया। उसके बाद क्या हुआ था बेटे, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट हुआ था। एंड उसके बाद डिसीजन ट्री। हिलर मॉडल के लिए मैं थोड़ा रुक गया था, मैंने कहा वो मैं लास्ट में करवाऊंगा। तो देखा जाए तो बेसिक, उसके बाद रिप्लेसमेंट, उसके बाद रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, फोर्थ लिख रहे हो आप सेंसिटिविटी एनालिसिस। इसके बड़े सारे क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस में। फोर्थ, नाम लिख रहा हूं मैं, सेंसिटिविटी। हाँ ध्यान से सुनना पड़ेगा भाई। क्यों, एक तो प्रैक्टिस में उन्होंने जान ले लिया, इतने सारे क्वेश्चन डाल रखा है सेंसिटिविटी एनालिसिस के, और इंपॉर्टेंट भी है। बेसिक से क्या आप क्वेश्चन पूछेगा तो ये हमारे लिए सीए फाइनल लेवल पे ये इंपॉर्टेंट है, ये नया है। सर क्या होता है ये समझो बेटे, सुनो सुनो ध्यान से सुनना एक बात। जैसे हम एनपीवी निकालते हैं, तो एनपीवी निकालते समय हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले सीएफईटी निकाले। कैसे निकालते हैं, सेल्स हो जाएगा इतना यूनिट्स, इस रेट पर सेल्स हो जाएगा, ऐसा हम लिखते हैं। ठीक है, फिर इसमें से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, फिर आ जाता है सीएफबीटी, फिर डेप्रिसिएशन, फिर आ जाता है पीबीटी, और इस तरह से पहले हम क्या निकालते हैं, सीएफएटी। ओके, और उसके बाद फिर उसको हम डिस्काउंटिंग करते हैं किससे, सीओसी से, और माइनस क्या करते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो क्या आ जाता है आपका एनपीवी, और एनपीवी अगर 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 पॉजिटिव है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहां तक की कहानी आपको पता है? यस पता ही। अब सुनो बेटे, वही काम होगा जो आप कर रहे हो। प्रॉपरली सीएफईटी निकालोगे, उसको डिस्काउंटिंग करोगे और एनपीवी निकालोगे, और एनपीवी पॉजिटिव आया तो अब हम तैयार हो चुके हैं। किस पर्पस, हम तैयार हो चुके हैं प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने के लिए। हम प्रोजेक्ट में पैसा लगाने को तैयार है, क्यों, क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव आ गया है। लेकिन अभी रुक जाओ, एक एक फैक्टर चेक करो। सर और क्या चेक करना बिट्टे, सुनो। सेल्स मैं कह रहा हूं, मैंने जो सीएफटी निकाला है वो मान के चला कि 1 लाख यूनिट्स बिकेगा, पर बुरा बुरा सोच के देखते हैं, अगर 1 लाख यूनिट्स नहीं बिका, 10% कम बिका, 90,000 ही बिका, तो मेरी एनपीवी पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। सर 90,000 यूनिट बिकेगा तो बाकी चीजों में भी तो चेंज होगा, नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं एक समय पर मैं एक ही फैक्टर चेंज करूंगा, इसमें 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 कोई चेंज नहीं। अच्छा सर, फर्क पड़ेगा। अगर मैं 1 लाख यूनिट्स बेचने का सोचा था, ठीक है, उसके हिसाब से एनपीवी निकाला, पर यार अगर 1 लाख यूनिट्स नहीं बिक पाया, 90,000 यूनिट्स बिकता तो बिल्कुल सही, तब एनपीवी में फर्क पड़ेगा। कितना फर्क पड़ेगा? अच्छा एक फैक्टर वेरिएबल कॉस्ट, मतलब मटेरियल, मटेरियल लेबर। मैंने सोचा था कि मटेरियल या सेलिंग प्राइस की बात कर लो। सेलिंग प्राइस कितना है सर, सेलिंग प्राइस तो यहां 50 रुपए, कि मैं 50 रुपए के हिसाब से मेरी एक यूनिट बेचूंगा। अगर वो 50 के हिसाब से नहीं बिकी, 45 का बिका, फिर क्या होगा, तो फिर तो एनपीवी में फर्क पड़ेगा। एग्जैक्टली कितना फर्क पड़ेगा ये निकालना, एक समय पे एक फैक्टर में चेंज करना है। अब सोचते हैं अब दूसरा फैक्टर, वेरिएबल कॉस्ट। बुरा क्या हो सकता है, वेरिएबल कॉस्ट, आज मैं एक यूनिट 30 रुपए का खरीदता हूं, ऐसा मैं सोच रहा हूं कि 30 के हिसाब से, पर यार मान लो 30 का नहीं मिला, मटेरियल और महंगा हो गया, तो एनपीवी में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। यस, अगर मटेरियल महंगा होगा तो मेरा एनपीवी डाउन होगा। कितने परसेंटेज से डाउन होगा ये निकालेंगे। फिर ये होगा एक फैक्टर। फिर सोचते फिक्स कॉस्ट। सर फिक्स कॉस्ट रेंट वगैरह,
भगवान ना करे रेंट अभी हमने 50,000 के हिसाब से काम कर लिया, भगवान ना करे रेंट बढ़ गया, 50,000 में मिला ही नहीं जगह, आपको 60,000 में मिली ज्यादा महंगा, तो उससे एनपीवी फर्क पड़ेगा कि? पड़ेगा सर, वेरी फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा तो एनपीवी डाउन होगा, कितने परसेंट से डाउन होगा, हर एक फैक्टर के विषय में मुझे सोचना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझते हो, मैं सोच रहा था कि मैं लोगों से उठाऊंगा पैसा 10% के हिसाब से, भगवान ना करे वो रेट 10% नहीं 11% के पैसे हिसाब से, मतलब अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा तो एनपीवी गिरेगा, कितना चेंज होगा। लाइफ कितने साल है, 5 साल चलेगा सर, भगवान ना करे 5 साल चल ही नहीं पाया, 4 साल ही चला, तो एनपीवी में फर्क पड़ेगा कि नहीं, यस कम हो जाएगा। तो ये बहुत कुछ सोचना, कितने रुपए लगेगी प्रोजेक्ट में, सर 10 लाख रुपए लगेगी, और अगर 11 लाख लग गया तो एनपीवी डाउन हो जाएगा, बस यही कुछ सोचना है। सर करना क्या है, बेटी करना बस इतना सा है, सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम हर एक फैक्टर में चेंज करेंगे, और क्या कहकर चेंज करेंगे, बुरा बुरा सोचकर, अनफेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन, कि अगर ऐसा हो जाएगा, अगर बुरा होगा, अगर सेल्स कम हो जाएगा, अगर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगा तो एनपीवी में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये सब सोचेंगे हम, एक एक फैक्टर का एनालिसिस करेंगे, और फिर फाइनली सबका हम निकालेंगे कि यार सेल्स के कम होने से एनपीवी कम हो रहा कितना परसेंटेज से, वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ने से एनपीवी कम हो रहा कितना परसेंटेज से। जब ये सब निकलेगा तो पता लगेगा यार सबसे ज्यादा दिक्कत तो सेल्स ही है, क्योंकि सेल्स कम होता है तो एनपीवी जो कम होता है वो थोड़ा सा कम नहीं होता, बहुत ही ज्यादा कम हो जाता। सेल्स कम हुआ, एनपीवी तो बहुत ही ज्यादा डाउन हो गया भाई, वेरिएबल कॉस्ट तो भी चल जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा तो एनपीवी थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन सेल्स में तो बड़ी दिक्कत है। तो फिर प्रोजेक्ट के एक्सेप्ट करने से पहले हम अपनी रिसर्च टीम से बोलेंगे कि भाई जाइए मार्केट में सर्वे कीजिए, रिसर्च कीजिए, और पता लगाइए कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो 1 लाख का यूनिट सोचा है उतना 1 लाख यूनिट बिकेगा कि नहीं बिकेगा, अच्छे से फर्दर रिसर्च करना है हमको उस मैटर पे, और उसके बाद जब हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे तब हम प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे। दिस इज सेंसिटिविटी एनालिसिस। टारगेट क्या है, टारगेट है क्रिटिकल फैक्टर ढूंढना कि जिसके चेंज होने से एनपीवी में बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाता है, तो वो मेरा क्रिटिकल फैक्टर होगा और उसको मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा। अच्छा तो सर सेंसिटिविटी एनालिसिस बेसिकली क्या, सेंसिटिविटी एनालिसिस का मतलब होता है एनालिसिस ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोजेक्ट। फैक्टर्स में क्या हो सकता है, सेलिंग प्राइस हो सकता है, क्वांटिटी हो सकता है, वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल हो सकता है, लेबर हो सकता है, फिक्स ओवरहेड हो सकता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो सकता है, प्रोजेक्ट का लाइफ हो सकता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और हर फैक्टर को, एक फैक्टर को एक समय चेंज करना है, चेंज किस साइड करना, फेवरेबल की अनफेवरेबल कंडीशन, और चेंज करके ये ढूंढना है कि उसके चेंज होने से एनपीवी में कितना चेंज होता है। और ये सब हम कब करेंगे, प्रोजेक्ट का एक्सेप्टेंस से पहले। और ये सब करके हम क्रिटिकल फैक्टर ढूंढेंगे, और क्रिटिकल फैक्टर का फिर फर्दर हम सर्वे करेंगे, रिसर्च करेंगे मार्केट में कि यार वो जो सेल्स है या जो भी क्रिटिकल फैक्टर है भाई वो सही सा जो हम सोच रहे हैं वैसा होगा कि नहीं होगा। ठीक सर, बहुत हो गई कहानी, एक बार लिखवाओ। मैं ये क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट नोट आता है 5 नंबर, अदरवाइज मैं समझाता ही नहीं, मैं सीधा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेता और करना स्टार्ट कर देता। तो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, तो ये एक शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा। बस सेंसिटिविटी एनालिसिस का एक ड्रॉबैक, एक बेकार की एजम्पशन है। सर कैसी एजम्पशन, उसका ये कहना कि एक समय पर एक ही फैक्टर चेंज होगा, इसका मतलब है कि अगर क्वांटिटी कम होगा या सेलिंग प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी पर फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे कैसे हो सकता भाई। अगर सेलिंग प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी की डिमांड बढ़ेगी, आप ऐसे कैसे कह सकते हो। ये बेकार की अजम्पशन है कि एक समय पे एक ही फैक्टर चेंज होता है, जबकि बहुत सारे फैक्टर पे चेंज पड़ेगा। ठीक है, हालांकि इसके लिए एक अलग टॉपिक है, सिनारियो एनालिसिस है, खैर हम उससे मतलब नहीं, हम बात कर रहे हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार लिखवा देता हूं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ काम करवाऊंगा। ठीक है, तो लिखते हैं।
सेंसिटिविटी एनालिसिस मींस एनालिसिस ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ द प्रोजेक्ट. That is, किसके विषय में आपको फैक्टर का मतलब क्या होता है? That is initial investment. Initial investment के अलावा और क्या हो जाएगा? Initial investment, selling price of product. Quantity, selling price के अलावा और क्या जाएगा? Quantity. इसके अलावा और क्या जाएगा? Material cost, ये भी तो एक factor है. Labor cost. इसके अलावा कॉस्ट ऑफ कैपिटल. लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट. और भी बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट, बहुत सारा लिख नहीं पाऊंगा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड What if and this, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? ठीक है. यहां तक तो बात समझ में आगे लिख रहा है. इन सेंसिटिविटी एनालिसिस we change each factor of project in हम चेंज करेंगे हर एक फैक्टर को, लेकिन किस डायरेक्शन? इन अनफेवरेबल डायरेक्शन. Keeping other factors constant. याद रखना, एक समय पे एक ही फैक्टर चेंज होगा, बाकी फैक्टर कॉन्स्टेंट रहेगा. और ये कब काम करना? बिफोर क्यों कर रहे हैं भाई ये काम? टू फाइंड आउट क्रिटिकल फैक्टर. सच दैट फर्दर रिसर्च में कैरी आउट बिफोर accepting the project. ठीक है भाई, तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने से पहले जो क्रिटिकल फैक्टर निकलेगा उसको आप फर्दर रिसर्च कर लीजिए. ठीक है,
बेकार ड्रॉबैक क्या है इसका? ड्रॉबैक इतना है कि ये कहता है कि एक समय पे एक ही फैक्टर चेंज होगा. इन प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता. अगर आप सेलिंग प्राइस कम करोगे तो नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ेगा. ठीक है, तो लिखोगे द मेजर ड्रॉबैक ऑफ sensitivity analysis is an assumption of other factors remains constant, but in real life it is not possible to change in selling price and quantity remain constant. इधर लिख देता हाँ, तो इतना आपको शॉर्ट नोट लिखना, 4-5 नंबर का आएगा सफिशियंट. अब जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन मुझे दो अप्रोच से करवाना पड़ेगा. प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये थ्योरी में नहीं लिखना, ये आपके लिए लिखवा रहा हूं. दो अप्रोच यूज करना. शॉकिंग अप्रोच. सर इसमें क्या होगा बेटे? हम शॉक देंगे. कितना? 10% बढ़ा देंगे, 10% कम कर देंगे. ठीक है सर. दूसरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी अप्रोच. ठीक सर, ये क्या चीज है बेटे? ये तो वक्त आने पे पता लगे. तो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सफिशियंट था जो आपने किया. अब आ जाते प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. मुझे कुछ एग्जांपल करवाने पड़े तभी बात बनेगी, नहीं बनेगी. ठीक है सर. तो करीब करीब 3 एग्जांपल कर दूंगा. तैयार हो? यस. अब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और सबसे पहला अप्रोच में फॉलो कर शॉप. इसमें कोई स्टेप्स स्टेप्स नहीं लिखवा रहा हूं. कितना याद रखोगे? सीधा सीधा क्वेश्चन बना रहा हूं, दिमाग चलाएंगे, क्वेश्चन करेंगे. Example, cost of project ₹1 lakh, life 5 years, सर्विस 0, ठीक है सर. यहां तक कोई दिक्कत नहीं. टैक्स भी लिखी देते. टैक्स 30%,
cost of capital. 10%. अब मैं आपको एनुअल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, एनुअल आप प्रोडक्शन एंड सेल्स करते हैं सर, कितना यूनिट्स बनाते हैं बेटे, मान के चलो साठ हजार यूनिट्स बनाते हो, छह हजार कर लीजिए, ठीक है, छह हजार यूनिट्स बनाते हैं, ओके सर। सर सेलिंग प्राइस क्या है? ₹20 पर। सर इसके अलावा क्या है? इसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट देना, ₹5 पर। इसके अलावा फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ₹10,000, दैट्स इट। लाइफ तो 5 साल है। सबसे पहला काम मैंने आपसे पूछा कैलकुलेट एनपीवी, क्या एनपीवी निकाल पाओगे? हाँ सर निकालेंगे, दिक्कत क्या है? हाँ बेटी कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले लेकिन हमको क्या निकालना पड़ेगा? सीएफईटी। अब मैं क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं, पॉइंट नंबर 1 बोला कैलकुलेट एनपीवी, एनपीवी तो आपको निकालना ही पड़ेगा, और उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? सीएफईटी। बताओ बेटे सेल्स कितना है? सर 6000 यूनिट्स इंटू कितना है 20, मतलब सर हर साल 1,20,000 रुपए का सेल्स। माइनस क्या करोगे? वेरिएबल कॉस्ट 6,000 × 5, तो 30,000 हो गया वेरिएबल कॉस्ट। माइनस क्या करोगे? फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट कितना है? 10,000। तो जो आएगा उसका नाम रहेगा सीएफबीटी, कैश फ्लो बिफोर टैक्स। 1,20 − 40 कितना आ गया? 80,000। फिर माइनस क्या होगा? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मेथड एसएलएम है, और कोई सर्विस तो है नहीं। 1,00,000 / 5, तो ये आ गया 20,000। तो ये आ गया बेटे पीबीटी कितना? 60,000। अब क्या निकलेगा? टैक्स, और टैक्स का रेट कितना आ जाए? 30%, तो ये आ गया 18,000। ये हो गया सीएफबीटी, ये हो गया टैक्स, तो सीधा आ गया सीएफएटी 1 − 2, 80,000 − 18,000, तो बेटे ये आया 62,000। तो एनपीवी तो निकाल ही सकते, एनपीवी इज इक्वल टू पीवीसीआई माइनस पीवीसी। 62,000 × 10% के हिसाब से 5 साल का फैक्टर 1/1.10, 1, 2, 3, 4, 5, 3.7908 माइनस कितना करोगे? 1,00,000, तो 62,000 × 3.7908 - क्या करोगे? 1,00,000, तो एनपीवी आ गया बेटे 1,35,030। बताइए क्या प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? तो आंसर आएगा यस। एनपीवी कितना आ गया आपका? 1,35,030। यहां तक तो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन है, यहां तक कोई प्रॉब्लम।
अब हमारा सेंसिटिविटी तो अभी किया ही नहीं, अब कर रहा हूं बेटे सेंसिटिविटी। अब क्वेश्चन में ही बताएगा कि हमको क्या करना, हमको कुछ स्पेशल काम नहीं करना, अब क्वेश्चन का ही पार्ट है। कैलकुलेट सेंसिटिविटी इन एनपीवी। नंबर वन, इफ सेलिंग प्राइस डिक्रीजेस बाय 10%, बस सोच के बताना एनपीवी पे फर्क पड़ेगा कि नहीं। क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस 20 रुपए नहीं रखना है, सेलिंग प्राइस को 10% कम कर देना है, मतलब ये जो सेलिंग प्राइस है अब 18 रुपए होगा। क्या एनपीवी इतना, सर वेरिएबल कॉस्ट में पिटे कहां से चेंज होगा, क्या सेलिंग प्राइस में चेंज होने से वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंज होता है? नहीं, अच्छे से कॉस्ट पर रखा। अगर इस को बनाने के लिए मुझे 5 रुपए का मटेरियल लगता है और मैं 20 में बेचता हूं, अगर मैं उसको 18 में बेच दूं क्या मटेरियल का कॉस्ट कम हो जाएगा? नहीं, वो तो 5 ही लगेगा, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन ये है 20 की जगह 18 हो जाए मान लो, बाकी सारी चीजें से टैक्स, सर टैक्स तो चेंज बेटे वो तो ऑटोमेटिक हो गया यार, वो तो बेवकूफी वाली बात है कि मैं बताऊं कि नहीं अब टैक्स उतना ही रहेगा, टैक्स में तो चेंज होगा, यूनिट्स इतना ही रहेगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया भाई, सेलिंग प्राइस कम कर रहे तो यूनिट तो बढ़ना चाहिए, पर नहीं उतना ही रहेगा यूनिट 6000, सेलिंग प्राइस 18 रुपए रख देना, वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपए रख देना, फिक्स कॉस्ट इतना ही रहेगा, एनपीवी निकालो रिवाइज्ड एनपीवी, और उसके बिना काम नहीं होगा। तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को फिर से एनपीवी निकालना पड़ेगा, रिवाइज्ड पहला तरीका टाइम पास करो, टाइम पास का मतलब इसको 18 लो और फिर से पूरा की पूरा काम करो, आंसर सही आएगा 100%, यह तो शॉर्टकट लगाओ, मैं शॉर्टकट लगाने जा रहा हूं, टाइम पास आप कर सकते हो घर में, फिर से एनपीवी निकालो कि आपका आंसर और मेरा आंसर मैच हो जाएगा, इसलिए प्लीज मुझे फॉलो करना। बताओ पहले से एनपीवी कितना है, 13503, एग्री? सेलिंग प्राइस कम होगा कितने परसेंट से, 10% से, 2 रुपए से, तो 6000 यूनिट इंटू 2, या सेल्स कितना था 6000 इंटू 20, 120000 का सेल्स था इंटू 10% कर लो 12000 रुपए, तो बेटे मेरा हर साल का 12000 रुपए कम आएगा, सीधी सीधी बात है, दिख रहा है। अब जब 12000 कम आएगा तो उस पे प्रॉफिट भी कम होगा, टैक्स भी कम लगेगा, सीधी सी बात है, तो नो डाउट कि मेरा जो है माइनस, हर साल कितना रुपए कम आएगा, 12000, 12000 कैसे निकाला आपको पता है ना, सेल्स का ले लिया सीधा 12000, पर इसको मैं आफ्टर टैक्स कर देता हूं, 1 माइनस टैक्स का रेट कितना 0.3, क्योंकि इस पे मेरा टैक्स भी बचेगा, सेल्स कम होगा तो टैक्स भी तो बचेगा। अच्छा सर, पर ये एक साल का है तो इसका प्रेजेंट वैल्यू ले लेते हैं, कितना आया था प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 3.7907 था सर, फिर भी देख लेता हूं, 1 2 3 4 5, हाँ 3.7907 नहीं, वैसे 08 लेना चाहिए, गलती से ले लिया होगा तो देख लेना बस, और ये रिवाइज एनपीवी आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, 0.7 × 2 12000 × 3.7908 − 135030, ये आ गया रिवाइज्ड एनपीवी 103187, ठीक है सर। क्या
अब मुझे बता सकते हो चेंज इन एनपीवी कितना आएगा? मैं फॉर्मूला नहीं लिखा, पहले था इतना एनपीवी 135030 माइनस, अब हो गया इतना डिवाइडेड बाय, तो हमेशा ओरिजिनल होना है और परसेंटेज में लाना है, तो इनटू 100 परसेंटेज चेंज इन एनपीवी 135030 माइनस 103187 डिवाइडेड 135030 इनटू 100, ये आ गया 23.58%। तो सेंसिटिविटी निकालेंगे इन एनपीवी विथ रिस्पेक्ट टू सेल्स, कैसे निकलेगा? फॉर्मूला ऐसा है वैसे, चेंज इन एनपीवी डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, ये आप बीटा अच्छे से जानते हो। अगर सेल्स 10% से गिरेगा तो एनपीवी 23.58 से गिरेगा, तो निकाल ही सकते हो टाइम्स में 23.58% डिवाइडेड बाय 10% आंसर आ जाएगा 23.58 डिवाइडेड बाय 10 2.36 बीटा टाइप का हो गया। ओके सर, अभी तक मैंने क्या फैक्टर लिया? एक ही लिया है। ओके सर, अब मैं और एक फैक्टर लेता हूं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हो सकते पर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, मैं एक फैक्टर और लेके आता हूं। अब बुरा सोचते, इसके विषय में बुरा सोचते, अब सोचते वेरिएबल कॉस्ट। तो लिखते हैं वेरिएबल कॉस्ट, बुरा सोचना है ना, इंक्रीजेस बाय 20%। अगर वेरिएबल कॉस्ट 20% से इंक्रीज हो जाए तो हाँ, तो फिर क्या निकालना पड़ेगा? वापस रिवाइज्ड एनपीवी, एनपीवी पे कितने परसेंटेज का फर्क पड़ेगा? तो ओरिजिनल हो गया 135030 माइनस, वेरिएबल कॉस्ट कितना है बेटे 6000 × 5, इसका परसेंटेज कितना 20% 6000। अब वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा तो एक्सपेंसेस बढ़े तो टैक्स सेविंग्स होगा। ओके सर, सर वन माइनस टैक्स हमेशा करना बिल्कुल सही, अगर टैक्स को करनी पड़ेगा 1 − 0.30 × 3.7908। अब एनपीवी पे कितना फर्क है? 6000 × 0.7 × 3.7908 − 135030 तो अब एनपीवी आ गया 119109। तो चेंज इन एनपीवी, ओरिजिनल एनपीवी कितना था? 135030 माइनस 119109 डिवाइडेड बाय 135030 इनटू 100 परसेंटेज निकल जाएगा माइनस 119109 डिवाइडेड 135030 इनटू 100 11.80%। अब क्या निकालेंगे? सेंसिटिविटी इन एनपीवी विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल कॉस्ट, फॉर्मूला में चेंज इन एनपीवी ऊपर आ जाएगा और चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट याद रखना 20%। ठीक, 11.80 डिवाइडेड बाय 20 0.59% नहीं टाइम्स में आएगा ना यार, मैं परसेंटेज गलती से लिखती। बताओ बेटा बीटा है ये बीटा किसमें ज्यादा चेंज? अब सोचते सेल्स अगर 1% से गिरेगा एनपीवी
2.36% से गिरेगी। वेरिएबल कॉस्ट 1% से गिरेगा बढ़ेगा तो एनपीवी गिरेगा, गिरना ही है, अपोजिट होगा वेरिएबल कॉस्ट पर ज्यादा नहीं थोड़ा सा गिरेगा। तो किसके 1% चेंज होने से एनपीवी बहुत ज्यादा चेंज हो जाता, सेल्स के। तो मेरे लिए क्रिटिकल फैक्टर कौन सा होगा, सेल्स, मोस्ट सेंसिटिव। और इस पे फर्दर रिसर्च किया जाए। अभी सुनो, ऐसे दो नहीं होगी, ये तो मैंने दो एग्जांपल के तौर पे लिया। ऐसा भी होगा कि चलो फिक्स कॉस्ट बढ़ा लेते हैं, ऐसा भी हो सकता इनिशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं, ऐसा भी हो सकता कॉस्ट ऑफ कैपिटल कुछ और ले लेते, 12% ले लेते, 11%। ऐसा भी हो सकता है सर कि लाइफ जो है 5 साल है, बुरा से बुरा क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा। लाइफ के कम होने से एनपीवी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये सब कुछ हो सकता है। अच्छा सर, ये सर परसेंटेज कहां से पता लगेगा, क्वेश्चन में बताएगा कि आपको जो शॉक देना है वो कितने परसेंटेज का देना, 10% से चेंज करना, 12% से चेंज करना, इस तरह से काम होगा। तो वो तो क्वेश्चन के साथ में समझ में आ जाएगा, उतना मुश्किल नहीं है। शर्त ये, पहले आपको एनपीवी ही निकालना पड़ेगा, उसके बाद वो जो बोलते जाएगा हम करते जाएंगे, ठीक है। हाँ एक बात बता दूं, शॉर्टकट ही लगाना, बड़े बड़े क्वेश्चन हो गए और आप सोच रहे चलो यार फिर से एनपीवी निकालते हैं, पूरा सीएफएटी निकाल के तो हो गया काम, फिर तो आपको ये शॉर्टकट ही लगाना पड़ा। तो ये था फर्स्ट अप्रोच, जिसमें आप चेंज करते शॉक देते हो 10% का, 20% का, एक एक फैक्टर। दूसरा अप्रोच है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, कुछ चेंज करने के लिए नहीं बोला, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप कोई भी अप्रोच फॉलो कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाली अप्रोच फॉलो करूं। दूसरा तरीका मार्जिन ऑफ सेफ्टी अप्रोच, इसको भी एग्जांपल से समझाता हूं। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 1,30,000, लाइफ 4 years, CFAT 45,000 पर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% पर। कैलकुलेट एनपी, पहले तो एनपी भी निकालना, निकालेंगे आराम से। सेकंड, कैलकुलेट सेंसिटिविटी इन कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, एनुअल सीएफएटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। हाँ ये बताओ कि कहां बोला है कि 10% से बढ़ाना है कि 12, कहीं नहीं बोला। सर मन से एज्यूम कर ले, क्या एज्यूम कर लीजिए कि चलो सबको 10 देते हैं, ये 10% कम दे कर देते हैं, ये 10%
बढ़ा देते हैं, इस तरह से भी कम कर देते हैं, इस तरह से भी कर सकते हो, पर मैं ऐसे नहीं करूंगा। और एक अप्रोच है जिसका यूज किया गया, पहले काम करो भाई, पहले एनपीवी निकालो, उसके बाद एनपीवी तो आपको निकालना ही पड़ेगा नॉर्मल। पहले नंबर पे हम क्या करें, एनपीवी इज इक्वल टू पीवीसीआई माइनस पीवीसी। हर साल सीएफटी कितना है, 45,000। पीवीएफ कितना परसेंट, 12%, कितने साल का, 4 साल का, माइनस क्या करोगे, 1,40,000। तो 1 divided by 1.12, 1, 2, 3, 4 जीटी 3.03। तो 45,000 इनटू 3.037 माइनस 120,000, तो ये आ गया एनपीवी 16,662। यहां तो कोई दिक्कत, अब देखो अप्रोच समझना बिल्कुल ध्यान से, पूरा काम ध्यान से करना है। अब मैं सेंसिटिविटी निकाल रहा हूं, सबसे पहले किस में, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। सेंसिटिविटी पहले बात हो रही है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, अब सुनना ध्यान से। अब मेरा ये सोचना है, भगवान ना करे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट अभी कितने का है, 1,20,000, तो क्या हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। भगवान ना करे कि जिस प्रोजेक्ट में हम पैसा लगा रहे हैं अगर उसमें 1,20,000 से ज्यादा लगा, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कितने रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं, सुनना ध्यान से। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 1,20,000 नहीं लगा, बुरा हुआ ज्यादा लगा, तो भाई कितने रुपए तक आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते, मतलब आप कितना रुपए कॉस्ट देने को तैयार है। सर हम तो उतना रुपए देने को तैयार है जितना हमको मिल रहा है, मैक्सिमम उतना दे सकते, उससे ज्यादा अगर लगा तो हम मना कर देंगे। तो बताओ ना आप कितने रुपए तक तैयार हो सकते हैं, इसका मतलब मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट को एक्स मानना पड़ेगा। और मैं ये कहूंगा कि चलो भाई जितना रुपए मैं दे सकता हूं, कितना दे सकता हूं, जितना आएगा, मतलब एनपीवी जीरो होगा तो चल जाएगा, लेकिन एनपीवी नेगेटिव होगा तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट, हम कितना रुपए, मैं समझा रहा हूं। स्टार्ट ऐसे करोगे, दो तरीके इसके लिए, Let assume cost of project bx, x ले लिया, NPV क्या लाना, जीरो रहेगा भी तो भी चलेगा, तो मतलब PVCI is equal to PVC, yes, PVCI is equal to PVCO, भाई जितना आ रहा है उतना लगा सकते हैं। तो पीवीसी कैसे है था 45,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ब्रेक इवन निकाल रहा हूं मैं और कुछ नहीं, इनटू 3.037 इज इक्वल टू एक्स, आंसर कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स इज इक्वल टू 45,000 इनटू 3.037 136,665। तो हम कहेंगे साहब सुनो 1,20,000 ना, उससे ज्यादा होगा तो भी चलेगा, लेकिन मैक्सिमम इतना, इससे ऊपर अगर कॉस्ट प्रोजेक्ट का कॉस्ट होगा तो सीधी सी बात है मना करो, कोई मतलब नहीं। तो आप कितने परसेंटेज तक एक्सेप्ट कर सकते, परसेंटेज निकाल सकते, सेंसिटिविटी इन कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ऐसा ये भी एक अप्रोच। सर इसमें पता कैसे लगेगा कि क्रिटिकल फैक्टर कौन सा, अभी एक बार सब निकाल लें तो फिर आपको सब समझा दूंगा।
sensitivity in cost of project. बताओ बेटे कितना रुपए एक्सेप्ट कर सकते हो? 136665 पहले कितना था? 120,000 डिवाइडेड बाय 20 तो 120,000 आएगा इनटू 100 136665 माइनस 120,000 डिवाइडेड बाय 120,000 इनटू 100 परसेंटेज आएगा 13.89%। इतना बढ़ेगा ना तो भी चलेगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, 13.89। एक तो ये तरीका है, इसी को किसी फॉर्मूले से कर सकते हैं, फॉर्मूले मेथड से। फॉर्मूला, अब फॉर्मूला कैसे लगाओगे? फॉर्मूला सीधा होगा, सेंसिटिविटी किसमें निकालना? इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, एनपीवी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इनटू 100। एनपीवी कितना निकला है आपका? 16665 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना है? 120,000 इंटू 100 तो 16665 डिवाइडेड बाय 120,000 इंटू 100 परसेंटेज उतना ही आएगा 13.89%। सर फॉर्मूले का लॉजिक क्या है ये बताओ, पहले तो रट लो, पहले तो रट लो फिर मैं लॉजिक समझा रहा हूं, मैं डेरिवेशन तो काम आने वाला रही। अगर मुझे सेंसिटिविटी निकालना है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में तो यहां लिखूंगा प्रेजेंट, ऊपर एनपीवी आएगा 100%, नीचे आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। अगर मुझे एनपीवी निकालना है किसमें? कैश फ्लो में, तो यहां जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। अगर मुझे सेंसिटिविटी निकालना है सेल्स में तो यहां जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स। अगला एग्जाम्पल करूंगा ना उसमें कवर करूंगा। सर ये लॉजिक क्या हुआ बेटे? एनपीवी इतना था और आप इसको कितना रखना चाहते हैं? -0, ये तो चेंज इन एनपीवी निकाल रहे हो, और नीचे तो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है कि इसके लिए कितना परसेंटेज, तो यहां -0 करने का लॉजिक बनता नहीं है कहीं से। क्या -0 करोगे तो हम सीधा क्या लिखते हैं? एनपीवी। हम एनपीवी कहां तक एक्सेप्ट करने को तैयार है, कहां तक चेंज करने को तैयार है? 0, उससे ज्यादा नहीं। तो वही आ गया चेंज इन एनपीवी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। चेंज इन एनपीवी तो है दिस -0, और 0 से आने को मतलब ठीक है। फॉर्मूला वक्त आएगा तो मैं आपको फॉर्मूला आपको समझाऊंगा। अभी टारगेट ये है कि जो जो फैक्टर बोला उस फैक्टर में मैं काम कर रहा हूं। टारगेट ये है कि जो फैक्टर के विषय में सेंसिटिविटी निकालना उसको मैं एक्स ले रहा हूं, उसको मैं एक्स ले रहा हूं टारगेट। और क्या एनपीवी क्या होना चाहिए? 0, 0 से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा किसमें निकालना? एनुअल सीएफटी। सेंसिटिविटी किसमें निकालना? एनुअल सीएफटी। अब इसके दो तरीके, ये तो फॉर्मूला, ये तो कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं। तो चलो कॉन्सेप्ट के साथ कर, लेट एज्यूम एनुअल सीएफटी बी एक्स, उसको एक्स ले लेते हैं, एनपीवी निकालते हैं। एनपीवी क्या लाना? 0, या फिर एक पीवीसीओ इज इक्वल टू पीवीसीआई, जो भी आप समझ लो। पीवीसीओ मालूम है कि हमको, यस 120,000। पीवीसीआई एनुअल सीएफटी को हमने क्या मांगना? एक्स इन टू मल्टीप्लाई किससे करोगे बेटे? 3.037। क्या एक्स की वैल्यू निकल जाएगी? हाँ, जिसके विषय में निकालना उसको आप एक्स मान लेना, बस बात खत्म हो जाएगी। तो यहां आ जाएगा 120,000
डिवाइडेड बाय 3.037 तो ये आ गया रुपीज 39513 अप्रोक्स। तो भैया हम क्या सोच रहे हैं, सीएफईडी कितना आ रहा है 45,000। अगर बुरा से बुरा भी हो तो भाई किसी भी हालत में इतना, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो बर्बाद हो गया। तो परसेंटेज निकाल लेते हैं, सेंसिटिविटी इन सीएफईडी पहले कितना था 45,000, कम हुआ तो 39513। अब प्लस माइनस देख लेना यार, मैं उस प्लस माइनस में नहीं पढ़ रहा, कोई फॉर्मूला नहीं, मैं लॉजिक के साथ काम कर रहा हूं। डिवाइडेड बाय पहले कितना था 45,000 × 200। किसी का कहना पहले ओरिजिनल लिखिए फिर रिवाइज लिखिए, मेरे कोई मतलब नहीं है, लॉजिक लगाइए बात। तो 45,000 − 39513 डिवाइडेड बाय 45,000 × 200 ये आ गया 12.19%। गिरे तो इतना ही गिरे, बस इससे ज्यादा 12.19%। ठीक है सर, ये तो बात सही है, आपने जिसके विषय में निकालना उसको एक्स लेकर काम कर लिया। यस सर, कोई और दूसरा अल्टरनेटिव, दूसरा अल्टरनेटिव है फॉर्मूला एनुअल सीएफईटी कहीं भाई, फॉर्मूला लगा दो। अच्छा सर, फॉर्मूला क्या बनेगा जरा बताना, देखते हैं। सेंसिटिविटी इन इसमें निकाल रहे हैं भैया सीएफईटी, ऐसे ऊपर तो एनपीवी आएगा क्योंकि एनपीवी माइनस जीरो तो एनपीवी होगा। किस क्या बोला है सीएफईटी, तो यहां सुनो आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीएफईटी। अच्छा एनपीवी कितना है 16665 डिवाइडेड। अब सीएफईटी कितना है 45,000, फैक्टर कितना है प्रेजेंट वैल्यू निकालो 45,000 × 3.037 तो ये आ गए 16665 × 100 आंसर आया 12.19%। बिल्कुल सिंपल, जरूरत ही नहीं कुछ करने। ठीक है आगे चले जी। तो दो फैक्टर में तो मैंने सेंसिटिविटी निकाल ली है, अब किस में निकालना, अब निकालना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल थर्ड फैक्टर। सर अब शॉर्टकट लगा सकते हो, अब शॉर्टकट नहीं लगेगा बेटे, अब शॉर्टकट क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये रुपीस टर्म में नहीं है, ये तो परसेंटेज टर्म है। अब क्या करें, फिर से टारगेट क्या है, टारगेट है एनपीवी जीरो लाना। अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, अभी 12%, तो 12% पे एनपीवी पॉजिटिव है। मैं कहता हूं भगवान करे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़े, भगवान ना करे, और फिर भी बढ़े तो कितने परसेंटेज तक मैं एक्सेप्ट करने को तैयार, उतने परसेंटेज तक कि एनपीवी जीरो जाए। सीधी सी बात है आईआरआर निकालना, आईआरआर में आपको पता है 12% का एनपीवी हमको मालूम है कितना, तो एक बड़ा वाला रेट ले लेते 15% ले लेते। ठीक है एक बार 15% का मैं चेक कर लूं, 15% एनपीवी जीरो लाना, आईआरआर निकालना, तो 1 / 1.15 1 2 3 4 जीटी इंटू 45,000 − 15% पे काम नहीं होगा, 18% ले ले क्या, यस 1 / 1.18 1 2 3 4 जीटी इंटू 45,000 18 पे भी काम नहीं हो रहा, 20% 1 / 1.20 2 3 4 जीटी 18 पे 20 पे तो काम हो जाएगा आराम से।
सर गैप ज्यादा हो जाएगा। बेटे अभी मेरा टारगेट आईआरआर निकालने का नहीं है, अभी मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना। तो आईआरआर निकालने जा रहा हूं 12% पहला, एनपीवी निकल चुका है कितना 16665, दूसरा कितने परसेंट पे निकल रहा है 20%, 45,000 इंटू पीवीएफ 20% कितने साल का फोर्स था माइनस 1,20,000, तो 1/1.20 1, 2, 3, 4 जीटी, तो ये आ गए 2.5887। 45,000 इंटू 2.5887 माइनस 120,000, एनपीवी नेगेटिव आ गया 3508। अब निकालते आईआरआर, ये नेगेटिव है ना, तो 12% पे एनपीवी है 16665 और 20% पे एनपीवी आ गया 3508। तो जैसे ही मैंने कितना परसेंट बढ़ाया 8, तो 16665 प्लस 3508 तो ये आ गया 20173। इतना डाउन हो गया, जबकि मुझे एनपीवी जीरो लाना, मतलब 16665 इतना ही तो डाउन करवाना। तो आईआरआर निकल सकता है? हाँ सर, आईआरआर 12 तो लगेगा ही लगेगा, प्लस चाहिए कितना 1665 डिवाइडेड बाय हो कितना गया 20173 इंटू 8। 16665 डिवाइडेड बाय 20173 इंटू 8 प्लस 12 तो आ गया 18.60 आईआरआर आ गया। सर इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 12%, मैक्सिमम अगर बढ़े तो हम कितना एक्सेप्ट कर सकते 18.60%, इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो क्या परसेंटेज निकल सकता है? यस, बढ़ेगा सेंसिटिविटी इन सीओसी 18.60 कर सकते, अभी कितना है 12 डिवाइडेड बाय ओरिजिन कितना 12 × 100 परसेंटेज में चाहिए मुझे कितने परसेंटेज का चेंज किया जा सकता है, उससे ज्यादा 18.60 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12 × 100 परसेंटेज आया 55%, बहुत अच्छा। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सेंसिटिविटी आ गया 55%। अब लास्ट बचा और वो है लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। सर शॉर्टकट है कि कोई फॉर्मूला? बेटे इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, आईआरआर आपको निकालना ही पड़ेगा। एंड लास्ट फोर्थ, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। हाँ बेटे अभी लाइफ कितना है? 4 साल है। 4 साल तो यार अगर प्रोजेक्ट 4 साल ना चला, कम चला, तो कितने साल तक आप तैयार हो सकते हो, मतलब एक्सेप्ट कर सकते हो? कम से कम इतना साल तो चलना ही चाहिए। तो निकाल लेते 4 साल पे एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, 3 साल नहीं कर देखते, 3 साल पे नेगेटिव हो जाएगा, बस वही काम करते। जब आपने लिया लाइफ को 4 इयर्स तो एनपीवी कितना आ गया 16665। तो चलो 3 इयर्स लेकर देखते, कम 45,000 इंटू 3 साल का फैक्टर चाहिए मुझको कितना परसेंट के हिसाब से 12 1/1.12 जीटी 2.4018 माइनस 1,20,000 45,000 इंटू 2.4018 माइनस 1 1
919. इसका मतलब भैया 3 साल से तो ज्यादा चलाना ही पड़ेगा तब इसको निकाल। जब 3 इयर्स था एनपीवी नेगेटिव था, जैसे ही मैंने 1 साल बढ़ाया, आप पहले 4 भी लिख सकते हो कुछ, तो एनपीवी पॉजिटिव आ गया। जबकि मुझे एनपीवी चाहिए 0, तो कितने का चेंज करना, 1 1 9 1 1, यहाँ कितना साल, 1 साल, यहाँ का डिफरेंस निकाल लीजिए, 1 1 9 1 9 प्लस हो जाएगा 1 6 6 6 5 2 8 5। इसका मतलब इसको बोला जाता पे बैक पीरियड, कि कितने दिनों में मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा, पे बैक पीरियड। भैया 3 साल तो लगेगा, क्योंकि 3 साल में तो नेगेटिव आ रहा, तो मतलब और भी लगेगा। मुझे चाहिए कितना, 1 1 9 1 9, नेगेटिव को खत्म करना है, पर पूरा साल यूज करता हूं तो आ कितना रहा, 2 8 5 8 4 × 1, तो 1 1 9 1 9 डिवाइडेड बाय 2 8 5 8 4 प्लस 3, मतलब भाई कम से कम प्रोजेक्ट 3.42 इयर्स चलना ही चाहिए। अभी कितने साल का है, 4 साल, अगर ना चले, कम चले, तो कम से कम 3.42 इयर्स चलना ही चाहिए। तो अब आ जाएगा सेंसिटिविटी इन लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। पहले कितना साल था, 4 साल, कम से कम अगर प्रोजेक्ट 4 साल ना चल पाए तो भी किसी भी हालत में 3.42 इयर्स चलना ही चाहिए, इससे कम नहीं कर सकते। बेस क्या रहेगा, 4 इयर्स, परसेंटेज में लाना, इसलिए इनटू 100, तो 4 − 3.42 / 4 × 100 परसेंटेज आ गया 14.5%। दैट्स इट। तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, हाँ इतना बड़ा नहीं आएगा, पर मैंने सबमिट करके दिखा। तो ये भी एक अप्रोच है, ठीक। सर क्वेश्चन में कुछ ना दिया तो मैं इसी अप्रोच को फॉलो करूंगा, बाकी आपकी मर्जी, आप 10-10% बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट, यहां तरीका कोई दूसरा होगा, बताओ भाई कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में मैक्सिमम कितना चेंज कर सकते, इतना, इससे ज्यादा नहीं। एनुअल सीएफएटी 12% से ही चेंज कर पाओगे, सीओसी 55%, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट 14.5%। क्वेश्चन ये है, अगर किसी फैक्टर को थोड़ा सा चेंज करोगे, थोड़ा सा, तो ही प्रोजेक्ट रिजेक्ट करना पड़ सकता, थोड़ा सा चेंज करने से। तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन सा होगा, यहां थोड़ा सा चेंज होगा, अगर उस प्रोजेक्ट में थोड़ा सा परसेंटेज चेंज हो गया बाय चांस, तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट करना पड़ सकता है। भाई किस, कौन सा क्रिटिकल फैक्टर दिख रहा, सर सीओसी को तो बहुत चेंज कर सकते हैं, हाँ लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट भी 14% चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट भी 13% से बढ़ा सकते हैं, लेकिन सीएफएटी सिर्फ 12%, 12% से ज्यादा गिरा ना तो अब खत्म फिर प्रोजेक्ट। इट मींस मेरे लिए अब की बार, अब थोड़ा सा अप्रोच चेंज है, क्रिटिकल फैक्टर कौन सा होगा, ये है मेरे लिए क्रिटिकल फैक्टर एन, जिसका सेंसिटिविटी, सर ये तो उसका अपोजिट हो गया, हाँ जी दिस इज क्रिटिकल फैक्टर, क्यों, इसका हिंदी में लिखो, इसमें ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, जिनको हिंदी नहीं आती वो इंग्लिश में लिख लेना, इसमें ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, बहुत कम चेंज, इसलिए ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव फैक्टर, ठीक है जी। तो मैंने 2 अप्रोच से क्वेश्चन करवाया अभी, किस किस अप्रोच से, फर्स्ट शॉक देते 10-10% का, 5-5% का, दूसरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी अप्रोच। इसी में और एक एग्जांपल करना पड़ेगा, तब क्लियरिटी आ जाएगी, फिर हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, क्या चल रहा है हमारा, सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस में पिछला जो क्लास था उसमें मैंने बड़े सारे एग्जांपल करवाए,
पर अब मैंने कहा एक एग्जांपल तो भी आपको करना पड़ेगा और वो एग्जांपल में स्टार्ट करो, इसके बाद हम एग्जाम के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल ठीक है, सबसे पहले लो लो बेटे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। रुपीज 5 लाख प्रोजेक्ट के लाइफ थ्री इयर्स ले लेते हैं, सर्विस जीरो, इसके अलावा सर्विस टैक्स मान लो नहीं है, अगर टैक्स नहीं है तो डेप्रिसिएशन का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन का कब यूज होता है जब टैक्स हो, तो टैक्स सेविंग्स होता है पर यहां कोई यूज ही नहीं है। अब क्या लिखना, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 60 ले लीजिए, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 50 रुपीज, लेबर कॉस्ट पर यूनिट 5 रुपीज। सर इसके अलावा क्या, इसके अलावा बेटे फिक्स कॉस्ट ले लीजिए एनुअल, ये तो टोटल में होगा 1 लाख। ठीक है, और क्या चाहिए भाई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% प्रोडक्शन, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। अब हर साल एक जैसा यूनिट तो प्रोड्यूस नहीं हो सकता ना, तो मैं पहले साल ले रहा हूं 10,000 यूनिट्स, दूसरे साल 10,000 और तीसरे साल 5,000। हमारा मानना यह है कि पहले साल और दूसरे साल ज्यादा यूनिट्स बिकेगी और लास्ट लास्ट में 5,000 यूनिट्स ही बेच पाएंगे। ठीक है, कैलकुलेट सेंसिटिविटी इन फर्स्ट सेलिंग प्राइस, सेकेंड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, थर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट, फोर्थ एनुअल फिक्स कॉस्ट एंड लास्ट सेल्स वॉल्यूम। वॉल्यूम या क्या बोल, वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, सेल्स क्वांटिटी। क्वांटिटी में भी सेंसिटिविटी निकालना इस बार, ये स्पेशल है सर। तो किस अप्रोच से क्वेश्चन बनाना बेटे, किसी भी अप्रोच से क्वेश्चन बनाना हो आपको एनपीवी तो निकालना ही पड़ेगा। ओके सर, तो चलो एनपीवी निकालते। सबसे पहला काम कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। सबसे पहले लिख रहा हूं मैं सेल्स, 10,000 × 60 तो पहले साल का सेल्स आ गया 6 लाख रुपए, दूसरे साल भी 6 लाख, तीसरे साल भी 6 लाख। अच्छा 5,000 यूनिट है तो दूसरे साल 3 लाख रुपए का सेल्स है, माइनस मटेरियल कॉस्ट
10,000 इंटू 15 तो 1,50,000 और यहां भी कितना आएगा 1,50,000 यहां, लेकिन 5,000 यूनिट से तो कितना जाएगा 75,000। इसके अलावा और क्या बोलते और ले लीजिए लेबर कॉस्ट, एक यूनिट पर लेबर का 5 रुपए तो 10 तो यहां जाएगा 50,000, यहां जाएगा 50,000 और यहां जाएगा 25,000। अब लेबर के बाद किसका नंबर आता, फिक्स कॉस्ट, फिक्स ओवरहेड, ये तो फिक्स ही रहता है 1 लाख 1 लाख और सर यहां बेटे यहां भी 1 लाख। अब सुनो, अब डेप्रिसिएशन टैक्स नहीं है तो डेप्रिसिएशन का मतलब ही नहीं है, तो जो सीएफबीटी और सीएफएटी एक ही कहलाएगा, तो इसी को मैं बोलता हूं सीएफएटी। 6 में से 2-3 लाख बचा है और यहां भी 3 लाख पर यहां सिर्फ 1 लाख रुपए ही बचा, ठीक है, दिस इज सीएफ। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितने परसेंट के हिसाब से, 10% 1/1.10 तो ये आ गया 0.9091 0.8264 और 0.7513। बस अब मैं एनपीवी निकाल लेता हूँ, PVCI-PVCO 3 लाख × 0.9091 + 3 लाख × 0.8264 + फिर 1 लाख × 0.7513 + ये आ गया 5957 80 - हो जाएगा 5 लाख एनपीवी आ गया 95780। बात खत्म, लेकिन क्वेश्चन तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है सेंसिटिविटी निकालना, और वही हमको सीखना अच्छे से सेंसिटिविटी कैसे निकाला जाता, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं सेंसिटिविटी, और सेंसिटिविटी सबसे पहले सर किस में निकाल रहे हैं, सबसे पहले हम सेंसिटिविटी सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर। अब मैंने कहा यार दो तरीके इसको करने के, या तो फॉर्मूला यूज करते हैं या तो एज्यूम करते हैं कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट एक्स है। तो पहले मैं फॉर्मूले से करता हूं फिर मैं एज्यूम्शन वाला बता हूं, दोनों ही बता देता हूं। पहले मैं क्या यूज कर रहा हूं, फॉर्मूला, किस में निकालना, सेंसिटिविटी इन सेलिंग प्राइस। ऊपर क्या था, हमेशा एनपीवी डिवाइडेड बाय किस में निकालना है, सेलिंग प्राइस, तो हमको जो सेल्स है ना बेटे उसका प्रेजेंट वैल्यू लेना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स परसेंटेज में लाना इनटू 100। तो बताओ बेटे एनपीवी कितना आया, 95780 डिवाइडेड बाय सेल्स का प्रेजेंट वैल्यू 6 लाख × 0.9091 फिर 6 लाख × 0.8264 फिर 3 लाख × 0.7513 तो ये आ गया 12,66,690 × 100। देख लेते हैं परसेंटेज कितना है, 95780 / MRC = 100 तो ये आ गया 7.56%। ठीक है सर, तो यहां मैं लिख रहा हूं 7.56%। सर ये तो एक तरीका हुआ फॉर्मूले से आपने सीधा सीधा निकाल लिया,
अगर हमको इक्वेशन बना के काम करना होता तो भी काम हो जाता। वो कैसे करते हैं, किस में निकालना, सेलिंग प्राइस, इसको कैसे करना है, लेट एज्यूम सेलिंग प्राइस पर यूनिट बी एक्स, और हमारा टारगेट क्या रहेगा, टारगेट रहेगा पीवीसीआई इज इक्वल टू होना चाहिए पीवीसीओ, यही है। तो चलो भाई पहले साल का कैश फ्लो, अब सुना हमें सेल्स नहीं मालूम क्योंकि सेलिंग प्राइस नहीं मालूम, पहले साल का देखना मैं कैसे निकाल रहा हूं, एक्स एक्स क्या चीज है, सेलिंग प्राइस, उसमें से माइनस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट सुनना सुनना ध्यान से, किस सिर्फ मटेरियल नहीं माइनस कर रहा हूं, ये दोनों माइनस कर रहा हूं, मटेरियल प्लस लेबर, ठीक है सर, माइनस 20, तो ये एक यूनिट का कॉन्ट्रीब्यूशन आया, मल्टीप्लाई किससे करोगे, यूनिट्स, यूनिट्स कितना है 10,000, ठीक है सर, तो ये आ गया 10,000, तो फिर फाइनली हमारा यहां तक तो काम हो गया, और क्या माइनस करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट, और उसके बाद जो भी आता है मल्टीप्लाई फैक्टर 0.9091, ये कब का कैश फ्लो, ये पहले साल का कैश फ्लो, इसी तरह से दूसरे साल का कैश फ्लो प्लस एक्स माइनस 20, यूनिट्स कितना है 10,000, माइनस क्या करो ह्यूमन लाइफ, और ये मल्टीप्लाई किससे होगा 0.8264 प्लस तीसरा साल एक्स माइनस 20, लेकिन अब नंबर ऑफ यूनिट्स है 5,000 माइनस 100,000, और ये जो मल्टीप्लाई होगा किससे होगा बेटे 0.7513 और माइनस पीवीसीओ कितना है 5 लाख। दिस इज वन इक्वेशन, बस अब x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। अब सुनो ध्यान से, इधर फोकस करना, पहले ये 10,000 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना, तो 10,000 इंटू एक्स, 10,000 एक्स जाएगा, 10,000 इंटू 20 तो 2 लाख हो जाएगा, और 1 लाख भी माइनस करना तो टोटल मिलाकर 3 लाख रुपए माइनस कर देते यार, क्यों बार बार स्टेप में फॉलो करूं, तो x माइनस 2 लाख और 1 लाख 3 लाख मल्टीप्लाई 90 प्लस एक्स नहीं मल्टीप्लाई होगा 10,000 से, तो 10,000 एक्स लिखना पड़ेगा ना यार, 10,000 एक्स माइनस 2 और 1 3 लाख 3 लाख मल्टीप्लाई किससे 0.9091 प्लस फिर से 10,000 माइनस 3 लाख मल्टीप्लाई किससे होगा 0.8264 प्लस अब 5,000 एक्स आएगा माइनस 1 लाख ये और 1 लाख ये 2 लाख और ये मल्टीप्लाई किससे होगा 0.7513 और माइनस क्या करना है इसमें से 5 लाख। अच्छा सर माइनस नहीं होगा, एनपीवी जीरो नहीं कर रहा हूं, मैं इसको इक्वल करने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, इसको इक्वल कर देते, ठीक है सर, यहां तक बात समझ में। अब आगे क्या करना, अब सुनो बेटे सुनना ध्यान से, अब मैथमेटिक्स है, आप अच्छे से समझ रहे हो, ये 10,000 एक्स है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके, सबको जोड़ देता हूं, पहले तो ये काम कर लेता, 10,000 इंटू 0.9091 एम प्लस 10,000 इंटू 0.8264 एम प्लस और 5,000 इंटू 0.7513 एम प्लस, तो ये आ गया 211.50 एक्स माइनस, अब ये और ये
3 लाख इनटू 0.9091 एम प्लस, 3 लाख इनटू 0.8264 एम प्लस एंड 2 लाख इनटू 0.7513 एम प्लस एमओसी 670910 इज इक्वल टू कितना 5 लाख। तो क्या x की वैल्यू निकल सकती है? हां, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 5 लाख डिवाइडेड बाय 211111.50। तो x की वैल्यू आई 55.46। 3 भी है 46 है। इसका मतलब ये हुआ कि साहब अभी सेलिंग प्राइस कितना है? 60 रुपए में बिकता, बहुत अच्छी बात है। अगर बुरा हुआ तो कितने रुपए में आप बेच सकते हो? 55। इससे कम में तो आप तैयार नहीं होंगे क्योंकि एनपीवी नेगेटिव आ जाएगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। सेंसिटिविटी निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस कितना है? 60। कितना गिराने को तैयार है? 55.46। बेस क्या हो रहेगा? 60 इनटू 100 परसेंटेज आ जाएगा। 60 माइनस 55.46 डिवाइडेड बाय 60 इनटू 100 आंसर आ गया 7.56%। वही आया जो यहां लिखा हुआ। क्या ज्यादा अच्छा है फॉर्मूला? सब फॉर्मूला ठीक है लेकिन लॉजिक तो इसी में मजा आ रहा। आप ऐसे भी कर सकते हो, आगे से जब मैं करूंगा सेलिंग प्राइस में नहीं, मैं मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट का सेंसिटिविटी निकालूंगा तो मैं फॉर्मूला ही लगाऊंगा। सर फिर भी हम एक्स लेके करें तो बिल्कुल घर में करना, घर में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्या करोगे? लेट अज्यूम मटेरियल कॉस्ट बी एक्स, सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ 60 रहेगा, बस मटेरियल को एक्स ले लेना और कुछ इसी इक्वेशन में डाल। आंसर आएगा उतना ही आएगा जितना मैंने निकाला है, पर हम फॉर्मूले से करेंगे। ओके सर, ठीक। तो अभी आपने सेंसिटिविटी निकाला, किस में निकाला? आपने निकाला सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब किस में निकालना है? अब निकाल रहे हैं हम लोग सेंसिटिविटी इन मटेरियल कॉस्ट। मैं सीधा फॉर्मूला यूज करूंगा, सेंसिटिविटी इन मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा एनपीवी, नीचे क्या आएगा किसके में निकाला मटेरियल कॉस्ट, तो यहां जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मटेरियल कॉस्ट। सिंपल है, क्यों बेकार में इक्वेशन में पड़ रहा है? आप सीधा सीधा काम कर सकते। एनपीवी कितना बेटे? 95780 डिवाइडेड बाय, ये है मटेरियल कॉस्ट। चलो देखते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल देते हैं। 150,000 इनटू 0.9091 एम प्लस, 150,000 इनटू 0.8264 एम प्लस, 75,000 इनटू 0.7513 एम प्लस एमओसी 316672 into 100 95780 divided by MRC equal to 95780 divided by 316672 into 100। तो ये आ गया बेटे 30.24%। 30.24%। अल्टरनेटिव कैसे काम कर सकते हो? अल्टरनेटिव हम ऐसे काम कर सकते हैं कि हम मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट को क्या मानेंगे? एक्स। सर अब किस में निकालना है? ऐसे ही किस में निकालेंगे हम? लेबर कॉस्ट पर यूनिट। तो अब निकालने जा रहे हैं हम सेंसिटिविटी किस में? लेबर कॉस्ट पर यूनिट। कैसे निकाला जाता है सेंसिटिविटी इन लेबर कॉस्ट? फॉर्मूला क्या लगेगा सर? हम बताएंगे।
ऊपर तो एनपीवी लिखना है यस, और इसके विषय में पूछा तो नीचे आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लेबर कॉस्ट। एनपीवी कितना 95780 डिवाइडेड बाय लेबर कॉस्ट है ये, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू देख लेते 50,000 × 0.9091 50,000 × 0.8264 or 25,000 × 0.75 13 10 5 5 5 7 × 100 95780 divided by MRC equal to × 100 आंसर आ गया 90.7। ठीक है सर ये भी हो गया, अब किसमें निकालना फिक्स कॉस्ट, तो सेंसिटिविटी इन फिक्स कॉस्ट फॉर्मूला बता सकते हो क्या? हाँ सर नीचे है, ऊपर आएगा एनपीवी बिल्कुल सही, नीचे आएगा प्रेजेंट वैल्यू फिक्स कॉस्ट। एनपीवी कितना है 95780 डिवाइडेड बाय फिक्स कॉस्ट ये है 100,000 × 0.9091 100,000 × 0.8264 और ये भी 100,000 है 100,000 × 0.7513 ये आ गया 24,680 95,780 डिवाइडेड बाय MRC इक्वल टू × 100 दिस 38.52 पर एंड द लास्ट। ये थोड़ा सा अच्छा ये समझने लायक सेंसिटिविटी इन सेल्स वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी, अब पहले फॉर्मूले पे जाते हैं ठीक है, इसमें मैं दोनों ही करवाऊंगा, ये थोड़ा सा समझने वाला फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कैसे सेंसिटिविटी इन सेल्स वॉल्यूम, वॉल्यूम है सर ऊपर तो एनपीवी आएगा ओके डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, सर क्या लिखोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स का कैसे प्रेजेंट वैल्यू करोगे? हाँ भाई यही तो दिक्कत है, अब सुनना ध्यान से, यूनिट की वजह से कहां कहां फर्क पड़ता, इस पे फर्क पड़ता है सेल्स पर जी सर, मटेरियल कॉस्ट पे फर्क पड़ता है, लेबर पे पड़ता है, फिक्स कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेंसिटिविटी इन सेल्स वॉल्यूम का फॉर्मूला जो बनेगा वो एनपीवी डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन होगा सर, कुछ भी ठीक, कुछ भी नहीं, अभी मैं आपको इसको प्रूव करके बता दूंगा ठीक है ओके सर। एक बार देखते हैं, एक बार लास्ट तक देखो बात समझ में आएगी, एनपीवी कितना 95780 डिवाइडेड कंट्रीब्यूशन एक यूनिट का कितना है तो 40,000, इसका मतलब पहले साल का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 400,000 10,000 × 4,400,000 दूसरे साल का 400,000 और तीसरे साल का 5,000 × 2,000,000 यही हो गया कंट्रीब्यूशन जी, तो 400,000 × 0.9091 m + 400,000 × 0.8264 m + और फिर 200,000 × 0.7513 m + MRC ये आ गया 844
11.34. सर हमको ना एक्स वाले अप्रोच से करना, चलो भाई एक्स वाले अप्रोच से कर रहे हैं। फॉर्मूला पसंद नहीं आया, याद रखना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन लिया था। अब भाई मुझे ये पता करना है कि मिनिमम में कितना यूनिट्स, उससे कम नहीं। पर यूनिट्स का साथ प्रॉब्लम क्या है मालूम है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ 10,000 यूनिट्स है, यहाँ 10,000 है, यहाँ 5,000 है, तो मैं ये नहीं मान सकता कि हर साल इक्वल यूनिट्स बनाऊंगा। मुझे अब की बात एक्स इसको मानना पड़ेगा और यहाँ डबल, तो इसको 2x मानना पड़ेगा, इसको 2x मानना पड़ेगा। भाई यूनिट्स बनाओगे कितना ये अलग बात है, पर अगर बेचोगे तो हमारा अनुमान है कि पहले साल ज्यादा ज्यादा फिर कम, तो उसी रेशियो में आपको लेना पड़ेगा। रेशियो जो है प्रोडक्शन का वो सेम होना चाहिए। तो यहां ले रहा हूं, लेट एज्यूम प्रोडक्शन इन थर्ड ईयर बी एक्स, ठीक है? ओके सर, तैयार हो? कॉन्ट्रीब्यूशन हमको मालूम है 40, 40 एक्स पहले साल का, 40 इंटू एक्स, नहीं पहले साल का ऐसा नहीं होगा भाई, सुनो ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि यूनिट्स कितना हो रहा है 2x। अगर यहां का x है तो यहां का 2x हो गया। ये क्या आ गया, वॉल्यूम इंटू एक यूनिट पे कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 40, इसमें से माइनस कितना करेंगे, फिक्स कॉस्ट 1,00,000 और इसका फैक्टर कितना ले लेते हैं 0.909 प्लस, फिर 2x इंटू 40 कॉन्ट्रीब्यूशन, माइनस क्या होगा 1,00,000 इंटू 0.8264। थर्ड ईयर की भी बात कर लेते हैं, यहां दे रहा हूं थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में याद रखना x वॉल्यूम को x ले रहे हैं इनटू 40 माइनस 1,00,000 और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 0.75 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 5,00,000। चलो इसे सॉल्व करते हैं, 1,00,000 इनटू 2, पहले इसको सॉल्व करें 80x माइनस 1,00,000, पहले यहाँ 80x आ जाएगा, ऐसे कर लेता हूँ 80x माइनस 1,00,000 मल्टीप्लाई 90 प्लस 80x माइनस 1,00,000 मल्टीप्लाई 0.8264 प्लस 40x माइनस 1,00,000 मल्टीप्लाई किससे होगा 7513 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 5,00,000। अब वही काम कर लेते हैं, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, 80 इनटू 0.9091 एम प्लस 80 इनटू 0.8264 एम प्लस 40 इनटू 0.7513 एम प्लस 168.892x माइनस 1,00,000 इंटू 0.9091 1,00,000 इंटू 0.8264 एंड 1,00,000 इंटू 0.7513 ये आ गया 248,680 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 5,00,000। तो x की वैल्यू अब तो निकल सकती है, यस 5,00,000 प्लस 248,680 डिवाइडेड बाय 168.892, तो ये यूनिट्स आ गए 4,432। पॉइंट
89, ये x की वैल्यू है। तो बस यहां अब हम काम खत्म कर रहे हैं। तो भाई कितनी यूनिट्स प्रोडक्शन कर सकते हो? फोर फोर थ्री टू फर्स्ट ईयर, ये लास्ट ईयर में, फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट ईयर में करना पड़ेगा 4432.89 × 2, सेकेंड ईयर में करना पड़ेगा 4432.89 × 2 और थर्ड ईयर में 4432.89 × 1 इसी रेशो में। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4432.89 × 2, तो यहाँ 8865.78 4432.89 × 2, ये तो नहीं आएगा यार, 8865.78 और आएगा यहाँ 4432.89, इन सबको हम जोड़ देते हैं, 8865.78 + 8865.78 + 4432.89, तो यूनिट्स आ गए 22164.45, इतना यूनिट्स हमको बनाना पड़ेगा कम से कम। ठीक है, अब बेकार की बात तो ये बोलोगे सर यूनिट फ्रैक्शन में होती, कि ये जो बच्चे टाइप का क्वेश्चन है वो नहीं करोगे, इसको राउंड ऑफ कर लेना अगर आपका दिल करेगा। तो इतना यूनिट से बनाना पड़ेगा, और अभी कितना यूनिट से बन रहा है सर? अभी बन रहा है 10 और 10 20 और 5 25, तो क्या सेंसिटिविटी निकाल सकते हैं? हाँ सर, इन यूनिट्स, इन 25,000 - 22164.45 / 100 अब देखो किस्मत 11.34%, और यहां आंसर पहले ही लिख चुके हैं हम 11.34%। सर ठीक है, फॉर्मूले से हो जाएगा, बस एक बात समझ में आई, ये क्या लॉजिक हुआ कि आपने रेशियो ले लिया? बेटे एक बात है, मैं ये कह रहा हूं मुझे नहीं मालूम कितना यूनिट से बनाना, पर हमारा जो प्रोडक्शन पैटर्न है, हमने ये सोचा है कि पहले साल ज्यादा होगा इकोनॉमी के हिसाब से, फिर ज्यादा होगा, फिर कम होगा, तो भाई रेशियो तो वही मेंटेन करते हुए आपको चलना पड़ेगा। सेंसिटिविटी खत्म। अच्छा ये बताओ कि सबसे क्रिटिकल फैक्टर कौन सा जिसमें थोड़ा सा ही चेंज कर सकते हैं? अगर थोड़ा सा, थोड़ा ज्यादा चेंज हो गया तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट करना पड़ेगा। मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इसमें ज्यादा चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब तैयार हो क्वेश्चंस बनाने के लिए, अगले क्लास से क्वेश्चंस स्टार्ट कर सकते। थैंक यू। हाँ बच्चों, तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस के क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट किया, एग्जांपल किया, अब सीधा क्वेश्चन उठा रहे। तो दो अप्रोच मैंने आपको करवाया था, अब वो तो क्वेश्चन रीड करने से पता लगेगा कि कौन सा अप्रोच लगाना है। तो सबसे पहला देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 8 पेज नंबर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट आउटले फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ऑफ प्रियंका लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ ₹100 lakhs फॉर प्लांट एंड मशीनरी। तो भाई 100 लाख रुपया लग रहा प्लांट एंड मशीनरी में, और 40 लाख रुपया लग रहा वर्किंग कैपिटल में, कुछ ना दिया तो 0 पीरियड। अदर डिटेल्स आर समराइज एज फॉलोस, सेल्स 1 लाख यूनिट्स ऑफ आउटपुट पर ईयर फॉर 1 to 5, सेलिंग प्राइस 120, वेरिएबल कॉस्ट है 60, फिक्स ओवरहेड है 15 लाख रुपए, तो ठीक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 25% ऑन WDV मेथड, इस वजह से हर साल का CFAT अलग अलग आएगा, सैलरीज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी दे रखा इक्वल टू द WDV, मतलब जितना बुक वैल्यू होगा उतना ही सेल कंसंट्रेशन होगा, टैक्स रेट है 40%, टाइम पीरियड दे रखा 5 ईयर्स, कट ऑफ रेट दे रखा 12%,
यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एनपीवी एंड इंडिकेट द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट. नंबर वन में, टू में बोला डिटरमाइन द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट एनपीवी अंडर ईच ऑफ द कंडीशन. डिक्रीजिंग द मतलब सॉफ्ट दे रहा है, डिक्रीज कर रहा है बुरा बुरा, 5% से डिक्रीज कर दिया या फिर वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज कर दिया. समझ में आ रहा कि कौन सी अप्रोच है, हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना, तो पहले तो एनपीवी निकालना पड़ेगा. चलो जी काम करते हैं. कैलकुलेशन टेबल हुई जाएगा. कट ऑफ रेट चेक करो बेटे कितना परसेंट दिया, 12%. सबसे पहले लिखते हैं कैश आउट. Cost of project कब जाएगा पैसा, 0, 1. कितने का है भाई प्रोजेक्ट, 100 lakhs पर प्लांट है, 100 lakh. इसके अलावा पैसा कहाँ लगेगा, वर्किंग का जीरो, 40 lakhs से शायद वर्किंग कैपिटल, यस 40 lakhs. तो टोटल कितना गया, 140 lakhs. अब क्या जाएगा बेटे, कैश इनफ्लोस. और सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सीएफईटी. हालांकि हम वर्किंग नोट नंबर 1 से निकालेंगे, 1, 2, 3, 4, 5. 12% का फैक्टर, नाइन ले लेता हूँ, है ना, 7972 ले लेता हूँ, 7111. तो इधर आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर 1. कैलकुलेशन ऑफ सी एफ ए टी. 5 साल है, year 1, 2, 3, 4, 5. सबसे पहले सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट सीधा लिखते ना यार, 120 माइनस 60, तो 60 इंटू 1 लाख कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाए. रुपीज इन लैक्स में क्वेश्चन बना रहा है, तो 60 लाख. माइनस क्या करोगे, फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट कितना है बेटे, तो 15 लाख. तो जो आएगा उसका नाम रहेगा सीएफबीटी, 45 लाख. माइनस क्या होगा, डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन कौन सा मेथड है, डब्ल्यूडीवी. रेट कितना है जी, रेट है 25%. कितने पे निकलेगा, 100 लाख. 100 लाख का 25% मतलब 25 लाख, 0.25, 25.
14.0625, चलो पूरा ले लेता हूँ, अब कुछ ज्यादा ही हो गया, 10.547 ले लेता हूँ, 7.910, ये मैंने आपको निकालना सिखाया है। तो यहाँ जो आएगा वो आएगा पीबीटी 45 - 25, 20, ठीक है सर। अभी क्या होगा, अभी निकलेगा टैक्स, और टैक्स का रेट चेक कर लो कितना है, 41.8, 10.5, 12.37, 13.78 ले लेते हैं, और यहाँ 14.84, ठीक है जी। तो सीएफबीटी हो जाएगा 1, टैक्स हो जाएगा 2, तो इधर क्या जाएगा सीएफएटी 1 - 2, 45 - 8, 36, 34.5, 32.625, 31.22, 30.16, और सी एफ को अब यहां लिख लेते हैं, सी एफ को ये आ गया 37, 32.625, 31.22, 31.22 into 0.635, 19.84, 30.16 into 0.567, 17.1. अभी क्या बचा, अभी बचा टर्मिनल वैल्यू, कौन सी ईयर में, 5, 6, 7, 4, ये कहां से आएगा, वर्किंग नोट नंबर 2 से। यहां जाएगा वर्किंग नोट नंबर 2 टर्मिनल, सेल्स कंसंट्रेशन माइनस कैपिटल गेन टैक्स 0 ही आएगा, क्यों, क्योंकि लिखा है कि जितना सेल कंसंट्रेशन होगा इक्वल टू डब्ल्यू टी, मतलब 100 लाख है ना,
तो वो 75.75 × 100, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये आ गए 23.73। तो 23.73 प्लस क्या जुड़ जाएगा इसमें, वर्किंग कैपिटल रियलाइज हो जाएगा कितना, 40। तो 23.73 प्लस 40, तो ये आ गया 63.73 × 0.567, तो यहां जाएगा 36.16। अब जोड़ देते 33.04 + 27.50 + 23.22 + 19.84 + 17.16 तो ये आगे बेटे 156.86। एनपीवी निकल सकता है। हाँ सर, ये है हमारा ए और ये हमारा बी। एनपीवी कैसे निकालते हो, बी माइनस ए माइनस 140। एनपीवी आ गया 16.86। अगर यहां की बात करो तो क्या एनपीवी पॉजिटिव है, तो लिख दे कि सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव हैंस प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। तो पॉइंट नंबर ए में तो कुछ खास बात नहीं थी, ये पूरा आपका कैपिटल वेस्टिंग। बात है कि पॉइंट नंबर टू, और हमें क्या फाइंड आउट करना, सेंसिटिविटी, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। सेंसिटिविटी इन एन, और यहां फर्स्ट अप्रोच से ही काम हो रहा है, शॉक दे रहा है। कितने परसेंट का शॉक, 5%। तो लिखा है पॉइंट नंबर ए, डिक्रीजेस इन सेलिंग प्राइस बाय कितने परसेंट से, 5% से डिक्रीज हो रहा है। सर तो कैसे करना बेटे, कुछ नहीं करना है। सेलिंग प्राइस कम होगा तो सेल्स कम आएगा, सेल्स कम आएगा तो हमारा लॉस तो है पर टैक्स भी कम लगेगा, तो फायदा आफ्टर टैक्स करना और कुछ नहीं। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, रिवाइज्ड एनपीवी। पहले एनपीवी कितना था, 16.87। जब सेलिंग प्राइस कम हो रहा है तो पक्का पक्का भाई एनपीवी कम हो जाएगा। कितना परसेंट, 5%। तो पहले सेल्स कितना था, 120 माइनस 5%, 120 इंटू 5, 120 लाख इंटू 5%, 6 लाख, 6 लाख 1 माइनस टैक्स का रेट कितना, 40%, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। कितना परसेंट का, 12% का, कितने साल का, 5 साल का, 1 / 1.12, 1, 2, 3, 4, 5 जीडी, तो ये आ गया 3.6048। बात समझ में आ रही ना, हर साल मेरा कितना, 120 लाख का 5%, 6 लाख कमाएगा पर टैक्स भी तो कम लगेगा, तो आफ्टर टैक्स कर दिया, और ये तो 5 साल तक है, तो 5 साल का निकाल लेंगे, देख लेते कितना, 6 × 0.6 × 3.6048 − 16.87, एनपीवी आ गया 3.893। तो चेंज इन एनपीवी पहले कितना था, 16.87, फिर कितना हो गया, 3.893, पहले कितना था, 16.87,
कितने परसेंटेज का चेंज हो रहा है, 16.87 माइनस 3.893 डिवाइडेड बाय 16.87 इनटू 100, 76.92 मतलब 77%। तो सेंसिटिविटी इन एनपीवी, चेंज इन एनपीवी डिवाइडेड बाय चेंज इन सेलिंग प्राइस, सेल्स लिखो क्या, 77% डिवाइडेड बाय 5%, आंसर कितना आ गया, 15.4 टाइम्स। दूसरा क्या लिखा है, इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट बाय 10, increase in variable cost by 5%। variable cost बढ़ेगा तो पक्का NPV क्या होगा, कम। फिर से निकालते हैं revised NPV, पहले का कितना 16.87 minus variable cost है 60 लाख, 60 लाख का 10% तो 6 लाख हो गया, 6 1 माइनस 0.40 इंटू 3.6048। सर ये तो वही हो गया, खर्चे बढ़ेंगे तो टैक्स भी होगा, यस तो ये तो उतना ही आएगा 3.893। तो चेंज इन एनपीवी कितना आएगा, उतना ही परसेंटेज आएगा, 77%। तो सेंसिटिविटी कितना आएगा, सेंसिटिविटी चेंज इन एनपीवी 77 पर यहाँ डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, आंसर कितना जाएगा 7.7। अगर क्रिटिकल फैक्टर की बात करो तो क्रिटिकल फैक्टर आपको ये दिख रहा है, पर ऐसा कुछ पूछा नहीं, बस सेंसिटिविटी पूछा था जो मैंने निकाल दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। सर अब कौन सा क्वेश्चन बनाना है, यस देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारे करने लायक है, मिल गया। क्वेश्चन नंबर 25 कर, क्वेश्चन नंबर 25 पेज नंबर 9। तो अब क्वेश्चन नंबर 25 पेज नंबर 9, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू अ प्रोजेक्ट, analyze the sensitivity of project to change in initial project cost, annual cash flow and cost of capital। तीन चीजों में बोला है, initial project cost में sensitivity निकालना है, annual cash inflow में निकालना, cost of capital। annual project initial project cost 1,20,000, annual cash flow देते हैं 45,000। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया हूं, एग्जांपल लाइफ है 4 साल, cost of capital है 10%। To which of three factors the project is most sensitive? ये भी पूछे। Use annuity factor 10%, पर इतना 11% है। सर ये बताओ कौन सी वाली अप्रोच फॉलो करनी है? अप्रोच नंबर वन जिसमें हमको सॉक देना है, या अप्रोच नंबर टू जिसमें हम एनपीवी को जीरो मान के चले? अगर मैं बोलूं मेरे लिए तो इजी क्या है, मेरे लिए इजी है 10% चेंज करो बात खत्म करो, पर समझ में कैसे आएगा कि किससे करना, सुनना ध्यान से, बस एक चीज पे फोकस करना। क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा कि कितने परसेंट से चेंज करना है, और बोलेगा कि आप पहली वाली अप्रोच ही लगाइए चेंज करने वाले, तो मैं 10% एज्यूम कर लेता। इसका मतलब अगर मुझे इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट में सेंसिटिविटी निकालना है तो मैं 1,20,000 को 10% से बढ़ा देता, एनुअल कैश इनफ्लो को 10% से कम कर देता, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को 10% से बढ़ा देता। और चूंकि एनुअली फैक्टर अच्छे से देखो, 10% दिया है, 11% दिया, दो दो फैक्टर दिया, तो क्यों दिया होगा? मुझे ऐसा लग रहा एक ही वजह है कि वो चाहता है कि आप अप्रोच नंबर वन ही लगाइए, सॉफ्ट कितने परसेंट का, 10% का। इसका मतलब वो चाहता है कि आप प्रोजेक्ट की कॉस्ट को 10% बढ़ाओ। आप
कैश इनफ्लो को 10% से कम करो, आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल को 10% से बढ़ा दो, मतलब 10% 10% से बढ़ाने का मतलब 20% मत कर दो, 1% से बढ़ा दो तो कितना कर दो 11%। वो कुछ ऐसा चाहता है, तभी उसने दो दो एनुअली फैक्टर दिया। इस वजह से इसको मैं अप्रोच नंबर 1 से ही क्वेश्चन बना रहा, ठीक है जी। तो पहले एनपीवी निकाल लें, हालांकि मैंने आपको इस टाइप का एग्जांपल करवाया हूं, पर वो अप्रोच नंबर 1 में नहीं करवाया, मैंने अप्रोच नंबर 2 में करवाया, जिसमें हमने एनपीवी को 0 मान के सेंसिटिविटी निकाला। तो पहले एनपीवी निकाल लें, एनपीवी हर साल कितना आएगा 45,000, PVAF 10% 4 years, माइनस 1,20,000 एनपीवी है, एनपीवी आ गया 2,2,6,4,5 ले लेता, ठीक है ओके सर, इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं। हाँ जी, इसी टाइप के क्वेश्चन करवाया था मैंने किसी और तरीके से, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट, सेंसिटिविटी इन इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो आप क्या करो, इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट को इंक्रीज कर दीजिए, इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 10%, दैट इज 1,20,000 इंटू 1.10 तो ये मान लो बेटे 1,32,000। सर एनपीवी फिर से निकाल ले के, हाँ बेटे सीधा इसी को देखकर निकाल लेते, टेंशन खत्म, 45,000 3.1699 माइनस 1,32,000 करने से, छोटा सा क्वेश्चन है तो सीधा सीधा निकाल सकते। एनपीवी कितना आ गया 1,064, तो चेंज इन एनपीवी निकाल लेते, एनपीवी में कितना फर्क पड़ा, पहले एनपीवी कितना था 2,2,6,4,5, अब कितना है 1,064,5, पहले कितना था 2,2,6,4,5 इंटू 100, चेंज इन एनपीवी 53% डिवाइडेड बाय 10%। दूसरा सेंसिटिविटी इन एनुअल कैश इन एनुअल कैश इन तो मैं, तो ठीक है एनुअल कैश इन तो बुरा बुरा सोचना कम, एनुअल कैश इनफ्लोस डिक्लाइन
डिक्रीजेस बाय कितने परसेंट डिक्रीज कर देते हैं 10%, दैट इज अभी कितना रुपए है भाई 45,000 याद रखना इसको चेंज मत कर देना, एक समय पे एक ही फैक्टर चेंज होगा, वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड फोर जीरो फाइव डबल जीरो इनटू एनपीवी आ गया 8381 तो चेंज इन एनपीवी पहले कितना था 22645 अब 8381 डिवाइडेड बाय 22645 इनटू 100 तो ये 62 मतलब 63% है सेंसिटिविटी निकल जाए 63% डिवाइडेड बाय 10% आंसर कितना जाएगा 6.3 एंड लास्ट 3 सेंसिटिविटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसमें क्या करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल बुरा सोचना इनक्रीजेस बाय 10% दैट इज पहले 10% था और 10% इसका कितना हो जाएगा 1% तो टोटल मिलाकर 11% कर लेना। अब क्या निकालना है यार हमको एनपी ये थोड़ा सा दिया हुआ फैक्टर और मैंने ना अपने मन से लिया कोई इश्यू नहीं है वैसे जो दिया है वो लेना चाहिए था मैंने देखा नहीं था बेटे आप याद रखना मुझे लेना चाहिए था 3.169 इसलिए लेना चाहिए था क्योंकि क्वेश्चन के साथ सब दिया होगा पर मैंने कैलकुलेट किया कोई फर्क नहीं पड़ता पर एग्जाम में बस इतना याद रखना अगर दिया होगा तो जो दिया है वो लेना तो चलो एनपी भी निकाल ले 45,000 ही रहेगा 3.109 दिया 11% माइनस क्या करोगे 1,20,000 एनपी भी आ जाए 45,000 into 3.109 minus 120,000 NPV आ गया 19905 तो change in NPV पहले कितना था 22645 अब 19905 divided by 22645 into 100 12.09% तो सेंसिटिविटी 12.09 डिवाइडेड बाय 10 आंसर आ गया 1.209 तो ये आपने सेंसिटिविटी निकाला यहां कितना आ गया 5.3 यहाँ कितना आ गया 6.3 यहाँ कितना आया 1.20 इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट 10% बढ़ता है या 1% बढ़ता है तो एनपीवी गिरेगा 5.3 टाइम्स यहां भी एनपीवी गिरेगा 6.3 टाइम्स थोड़ा सा चेंज करने से और यहां मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर ये होगा क्योंकि इसमें
सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन होता, थोड़ा सा चेंज करने से बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन। क्रिटिकल फैक्टर कौन सा होगा? एनुअल कैश इनफ्लोस। विच ऑफ थ्री फैक्टर्स द प्रोजेक्ट मोस्ट सेंसिटिव? किस नाम से आएगा? एनुअल कैश। तो ये बनाया क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आपके पीएम का प्रैक्टिस मैनुअल का, और उसने भी इसी अप्रोच से किया जिस अप्रोच से मैंने क्वेश्चन बनवाया है। ठीक है, मतलब अप्रोच नंबर वन से ही क्वेश्चन है। अब आगे चल रहा है और अगला क्वेश्चन आप रीड कर रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 पे जाओ। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 पेज नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 26 पेज नंबर 10। एक्स वाई जेड इज कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट फॉर विच The following estimates are available. Initial cost of project दे रखा है 10 लाख, selling price दे रखा है 60, cost per unit दिया 40। मेरी बात समझना, अगर मुझे बता देगा कि 10% से बढ़ाना है, कम करना है, या फिर ऐसा कोई मुझे हिंट मिल जाता, जैसे फैक्ट पिछले क्वेश्चन में हिंट मिल गया था कि 10% से बढ़ाना है, अगर मुझे हिंट नहीं मिलता तो मैं सेकेंड अप्रोच से ही क्वेश्चन बनाऊंगा। हालांकि प्रैक्टिस मैनुअल में दोनों ही अल्टरनेटिव दे रखे। एक्स वाई जेड लिमिटेड इज कंसीडरिंग अ प्रोजेक्ट फॉर विच द फॉलोइंग एस्टिमेट्स आर अवेलेबल। इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है 10 लाख, सेलिंग प्राइस है 60, कॉस्ट पर यूनिट है 40। सेल्स वॉल्यूम फर्स्ट ईयर में 20,000, सेकेंड ईयर में 30,000, थर्ड ईयर में 30,000। यू आर रिक्वायर्ड टू मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ प्रोजेक्ट इन रिलेशन टू ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यूनिट कॉस्ट, सेल्स वॉल्यूम, इनिशियल आउटले एंड प्रोजेक्ट लाइफ। टैक्सेशन में भी इग्नोर्ड, टेक कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। इस क्वेश्चन में कहीं से भी नहीं दिख रहा है कि आपको शॉक देना है 10% से, कहीं से भी मुझे हिंट नहीं मिल रहा। तो मैं अप्रोच नंबर 2 से क्वेश्चन बना रहा हूं। पीएम ने दोनों ही अप्रोच से क्वेश्चन बना रखा है, तो आपकी मर्जी, आपको जैसे। तो पहले एनपीवी निकाल ले कि हाँ जी, पहले एनपीवी निकाल लेते। कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी इज इक्वल टू पीवीसीआई माइनस पीवीसी। टैक्स का है नहीं कोई चक्कर। ओहो, यूनिट्स तो हर साल का अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग यूनिट्स दिया है, तो सर फिर कैसे करेंगे? अलग अलग करेंगे भाई, ये इक्वेशन तो मतलब ही नहीं है। अब इसको मैं अलग अलग कर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। सेल्स 20,000 इंटू 60, 12 लाख, 18 लाख, और यहां भी 18 लाख, माइनस वेरिएबल कॉस्ट 40 रुपए। कॉस्ट पर यूनिट ही वेरिएबल क्या हो गया? कॉस्ट पर यूनिट लिखो सीधा, कॉस्ट
40 इंटू 20,000 80,00,000 8,00,000 रुपए, और यहाँ 30,000 इंटू 40 1,20,000 सॉरी 12,00,000 सीधा कैश तो आ गया, टैक्स वैक्स है नहीं, डेप्रिसिएशन 12 में साइड गया 4,00,000 6,00,000 और 6,00,000 फैक्टर दिया है क्या? नहीं दिया है तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं प्रेजेंट वाली फैक्टर ले लेता। कितना परसेंट है जी? 10% जीरो पॉइंट 9091 82 64 7513। अब आ जाएगा पीवीसी 4,00,000 इंटू 0.9091 एम प्लस 6,00,000 इंटू 0.8264 एम प्लस 6,00,000 इंटू 0.7513 एम प्लस एमआरसी 1,310,260 माइनस PVCU इज इक्वल टू कितने का है ये प्रोजेक्ट? 10,00,000। NPV 310,260 ये हमेशा ना निकाल लिया करो, अब क्वेश्चन बनाने में इजी हो। सेंसिटिविटी इन सेलिंग प्राइस, हाँ दो तरीके हैं, या तो सेलिंग प्राइस को एक्स मानो, सेलिंग प्राइस को एक्स मान लीजिए, या तो एक काम करते हैं फॉर्मूला लगा, सिंपल सी बात है। और मैं क्या यूज करूंगा क्योंकि मुझे जल्दी करना है इसलिए मैं फॉर्मूला ही यूज करूंगा, आंसर उतना नहीं आएगा। आप सारी सेलिंग प्राइस को एक्स मान के भी क्वेश्चन बना सकते हो, एनपीवी जीरो लाने की कोशिश करो। एनपीवी ये चेंज इन एनपीवी डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स, एनपीवी कितना है भाई? एनपीवी एनपीवी 310,260 डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स 12,00,000 18,00,000 18,00,000। इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो, लिख नहीं रहा हूं मैं, सीधा काम कर 12,00,000 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू एम प्लस 18,00,000 दो बार इक्वल टू एम प्लस और 18,00,000 एक दो तीन एम प्लस एम एस तो ये आ गया 3,09,308,79 इसको यहीं लिख देता हूँ 3,09,308,79 सीधा सीधा आंसर आ जाए 310,260 डिवाइडेड बाय 3,09,308,79 इनटू 100 बेटे ये आ गया 7.89% ये 7.9 भी ले सकते हैं। दूसरा किसमें निकाला? यूनिट कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट मतलब कॉस्ट में निकालना, तो कोई दिक्कत सेंसिटिविटी इन यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू एनपीवी डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट जितना भी 310,260 डिवाइडेड
ये कॉस्ट है, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं। 8 लाख डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू एम प्लस 12 लाख, दो बार इक्वल टू एम प्लस फिर 12 लाख, 1, 2, 3 एम प्लस तो आ गया 2,6,20,586 into 100 310,260 डिवाइडेड बाय 2,620,586 into आंसर ये आ गया 11.84%। ये दूसरा होगा, तीसरा सेल्स वॉल्यूम। हाँ सर ये थोड़ा सा टेक्निकल, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स वॉल्यूम सेंसिटिविटी इन सेल्स वैल्यू इज इक्वल टू एनपीवी डिवाइड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स माइनस, इस पे भी वॉल्यूम का फर्क पड़ेगा, इस पे भी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन बोलते हैं हम इसको, फिक्स कॉस्ट होता है तो उसको इग्नोर करते हुए काम करते हैं ना। 310,260 डिवाइडेड इसका प्रेजेंट वैल्यू, तो ये वापस यही आ गया 1,310 1,310,260 डिवाइड 1,310,260 इंटू 100 आंसर आ गया 23.68%। सेल्स वॉल्यूम के अलावा क्या बोला, इनिशियल आउटले। इनिशियल आउटले पे निकल लेते, एनपीवी डिवाइडेड ये तो प्रेजेंट वैल्यू होता ही है, कोई बात ही नहीं। इनिशियल आउट एनपीवी कितना, 310,260 डिवाइडेड बाय इनिशियल आउटले कितना, 10 लाख इनटू 100। 310,260 डिवाइडेड बाय 10 लाख इनटू 100 31.03% एंड लास्ट। हाँ इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रोजेक्ट लाइफ सेंसिटिविटी इन प्रोजेक्ट लाइफ। प्रोजेक्ट लाइफ का मतलब है जब आप लाइफ ले रहे हो 3 साल, तो एनपीवी कितना है 310,260। क्वेश्चन है कि कितना लाइफ में, कितनी लाइफ में मेरा कॉस्ट रिकवर हो जाए, तो सीधी सी बात मैं कर रहा हूँ। Suppose life is equal to 2 years, बुरा बुरा सोच कर देखो 2 साल, तो भाई पहले साल कितना आएगा 4 लाख, मल्टीप्लाई किससे होगा 0.909, दूसरे साल कितना आएगा 6 लाख, मल्टीप्लाई किससे होगा 0.8264, माइनस क्या करोगे 10 लाख, एनपीवी चेक कर लीजिए 4 लाख इंटू 0.9091 एम प्लस 6 लाख इंटू 0.8264 एम प्लस एमआरसी माइनस 10 लाख, एनपीवी नेगेटिव आ गया 140,520। अब कैसे काम करते हैं हम लोग, जब प्रोजेक्ट की लाइफ है 2 साल,
एनपीवी नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। 140520 जब प्रोजेक्ट की लाइफ है 3 साल, एनपीवी आया है 310260, जबकि मुझे एनपीवी क्या चाहिए, जीरो। तो जैसे ही मैं 1 साल चेंज करता हूँ, 1 साल बढ़ाता हूँ, तो ये चेंज मुझे डाउन, मुझे पॉजिटिव चाहिए, पर इतना और पॉजिटिव चाहिए, जबकि कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो जाता है। तो 310260 प्लस 140520 यहाँ गया 450780। अब निकाल लेते हम एक्चुअल में क्या निकाल रहा है, पे बैक पीरियड निकाल रहा है, सीधी सीधी बात है। 2 साल तो लगेगा लगेगा, प्लस 140520 चाहिए, जबकि ये आ रहा है 450780 इंटू 140520 डिवाइडेड बाय 450780 इंटू 1 प्लस 2 2.31 ईयर्स। सेंसिटिविटी निकाल सकते कि मैक्सिमम हम कितना डाउन कर सकते, वैसे कितना है 3 साल, 2.31 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100, 3 माइनस 2.31 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100, आंसर आ गया 23%। ये कौन सा अप्रोच है, सेकेंड, मैक्सिमम पॉसिबल चेंज, इसमें कितना चेंज किया जा सकता है, 7.8, ये 11.8, इसमें 23, इसमें 31 और इसमें 23%। भाई किसमें कम से कम चेंज पॉसिबल है, सेलिंग प्राइस में, तो भाई आप सेलिंग प्राइस पे और रिसर्च कीजिए, पता लगा इसी में दिक्कत है, इसको 7.8 टाइम से अगर कम गया तो प्रोजेक्ट आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। This is most critical factor. अगर क्वेश्चन पूछता तो, पर पूछा नहीं है तो बात खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 26, ठीक है। हाँ जी बच्चे, तो सेंसिटिविटी चल रहा था, कब पिछली क्लास में शायद 2-3 क्वेश्चन बनाया था। क्वेश्चन एक है 53, नया नया एड हुआ है प्रैक्टिस में, क्वेश्चन नंबर 53 पेज नंबर 21। लिखा उन्नत लिमिटेड इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग रुपीज 50 लाख इन अ न्यू मशीन, 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड लाइफ इज 5 ईयर्स एंड नो स्क्रैपेज, इट इज एक्सपेक्टेड दैट 2 लाख यूनिट्स विल बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड ईच ईयर, सेलिंग प्राइस है 30 रुपए, कॉस्ट कितना है 50 लाख, हर साल कितना यूनिट से बनाओगे 2 लाख, सेलिंग प्राइस कितना है 30 रुपए और वेरिएबल कॉस्ट कितना 16 रुपए, 50 पैसे, इसके अलावा फिक्स कॉस्ट भी है 10 लाख, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है 12%, एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क दे रखा है 20%। सर ये क्या चक्कर, समझाऊंगा। यू आर रिक्वायर्ड टू मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ प्रोजेक्ट एनपीवी टू अ चेंज इन द फॉलोइंग प्रोजेक्ट वेरिएबल्स, सेल्स प्राइस, सेल्स वॉल्यूम, वेरिएबल कॉस्ट। सर कहां लिखा है कि 10% से और, कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। तो सर कैसे करना, बेटे मैंने कहा ना सेकंड अप्रोच से ही मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, जहां तक मुझे क्लियरिटी नहीं आएगी मैं सेकंड अप्रोच से क्वेश्चन बनाऊंगा। उसके लिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एनपीवी, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, और एनपीवी के लिए हमको क्या चाहिए, सीएफ साल का, सेल्स दिया हुआ 2 लाख यूनिट्स इनटू 30, साठ लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट,
दो लाख यूनिट्स इंटू 16 रुपए पचास पैसे, ठीक है, ठीक है, तो ये जो आएगा उसका नाम क्या रहेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन। 60 लाख माइनस 33 लाख्स 27 लाख्स, इसमें से क्या माइनस करोगे, फिक्स कॉस्ट कितना 10 लाख, 17 लाख्स। कोई डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, कोई टैक्स नहीं दिया है, तो पिक्चर यहाँ खत्म हो चुकी है। इसे को हम क्या बोलते हैं, CFAT। तो NPV निकल जाएगा, हर साल हम कमा रहे हैं 27 लाख। PVAF लेना पड़ेगा, डिस्काउंटिंग रेट कितना दिया है, 12%। लाइफ कितना दिया भाई, लाइफ 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 5 इयर्स, 1 डिवाइडेड बाय 1.12, 1, 2, 3, 4, 5, 3.6048 माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितने का, 50 लाख। तो 27 लाख इंटू 3.6048 माइनस 50 लाख, NPV आ गया 47.32 माइनस 6, ठीक है जी, यहां तो कोई समस्या नहीं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेंसिटिविटी निकालना, और सबसे पहले ये पर एनम है ना, ये पर एनम 17 लाख होना चाहिए, गलती मेरी, अच्छा वो ध्यान दे, 17 लाख इंटू 3.6048 माइनस 50 लाख, तो ये आ गया 11,28,160, ठीक है। अब पहला काम क्या कर रहे हैं हम लोग, सेंसिटिविटी निकाल रहे हैं। पॉइंट नंबर डी अलग है, उसके मैटर में मैं बाद में बात करूंगा, हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले सेंसिटिविटी। कौन सी अप्रोच से कर रहा हूं मैं, सेकंड अप्रोच। सबसे पहले सेंसिटिविटी किसमें निकाला, सेल्स प्राइस, सेंसिटिविटी इन सेल्स प्राइस इज इक्वल टू NPV डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स इनटू 100। NPV कितना है, 11,28,160 डिवाइडेड, सेल्स हर साल 60 लाख इनटू दिस 3.6048 इनटू 60 लैक्स, दैट इज 2162880 112816 डिवाइडेड बाय मर्सी इक्वल टू इनटू 100। तो ये आ गए बेटे 5.22%। सेल्स प्राइस के बाद किसमें निकालना, सेल्स वॉल्यूम मतलब यूनिट्स, सेंसिटिविटी इन सेल्स वॉल्यूम इज इक्वल टू NPV डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन, क्योंकि वॉल्यूम का इफेक्ट दो जगह पड़ता है, मैं आपको समझा चुका हूं, इनटू 100 कर देना, तो 1128160 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन कितना, 27 लाख का प्रेजेंट वैल्यू,
27 लाख इंटू 3.6048 तो ये आगे बेटे 11.59% सेल्स वॉल्यूम के अलावा और क्या दिखाई दे रहा, तो थर्ड पे जाते हैं और किसमें बोला उसमें निकल लेते वेरिएबल कॉस्ट, ये भी जी सेंसिटिविटी इन वेरिएबल कॉस्ट इज एनपीवी डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इन 200 एनपीवी कितना है 1128160 डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट ये 33 लाख तो 33 लाख इनटू 3.6048 ये आगे 118958840 इनटू 112810 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 9.48 बताओ बेटे किसमें कम से कम चेंज कर सकते हैं सेलिंग प्राइस। तो मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर की मैं बात करूं सेंसिटिव तो 5.22% दिख रहा है आपको। अगर पूछा जाता यू आर रिक्वायर्ड टू मेजर द सेंसिटिविटी, बस मेजरमेंट करने के लिए बोला है। अगर पूछा जाता तो मैं बोलता ये इसमें बहुत कम चेंज किया जा सकता, बाकी में चेंज किया जा सकता, लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। पॉइंट नंबर डी, एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क कितना है, मतलब हम 20% का चेंज पॉसिबल है 20% से, वो शायद अगले पॉइंट के लिए होगा। पॉइंट नंबर डी, ऑन फर्दर इन्वेस्टिगेशन इट इज फाउंड दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट चांसेस दैट द एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम 2 लाख यूनिट्स पर ईयर विल नॉट बी अचीव्ड। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है उनका ये कहना, भाई ऐसा है कि यार ठीक है सेलिंग प्राइस हमको मालूम है कि सेल्स में गड़बड़ हो सकता है, बोले सुनो और एक बात कि जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम जो आपने बी निकाला है, हमको ऐसा लग रहा है कि ये 2 लाख यूनिट्स अचीव नहीं हो सकता। द सेल्स मैनेजर ऑफ उन्नत लिमिटेड सजेस्ट दैट सेल्स वॉल्यूम कुड डिपेंड ऑन द एक्सपेक्टेड इकोनॉमी स्टेट्स, इकोनॉमिक्स पर डिपेंड करता है कि सेल्स 2 लाख यूनिट्स बिकेगा कि ज्यादा कि कम, और वो नीचे दे रखा है। बोले अगर इकोनॉमी पुअर रहेगी तो बोले 1,75,000 यूनिट्स ही बेच पाओ, प्रोबेबिलिटी कितना 0.3। अगर नॉर्मल रहेगा तो 2 लाख यूनिट बेचोगे, गुड में 2,25,000। कैलकुलेटेड एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट एंड गिव योर डिसीजन वेदर कंपनी शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट और नॉट। तो भाई अलग अलग सिनारियो दे रखा है और उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, एनपीवी निकालना अलग अलग सिनारियो के हिसाब से, पुअर और कौन सा आपका एवरेज या नॉर्मल बोल सकते हो या बूम बोल सकते हो या फिर गुड बोल सकते हो, अलग अलग सिनारियो के हिसाब से हमको एनपीवी निकालना पड़ेगा। पहला पॉइंट नंबर डी, कैलकुलेशन ऑफ पहला सिनेरियो, एनपीवी से सुनना ध्यान से, 30 रुपए सेलिंग प्राइस, 16.50 वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल सकता है, यस 30 माइनस 16.50, एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन है 13.50 रुपए, कितना यूनिट बेचेंगे 1,75,000।
ठीक है सर, ये कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, इसमें से माइनस क्या करोगे? फिक्स कॉस्ट 10 लाख, इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और इसमें से माइनस क्या करोगे? 50 लाख। सर एक साथ इतना कैलकुलेशन हो बेटे, कर लेंगे इतने तो, अब सीए फाइनल में हो आप, 1,75,000 इंटू 13.50 माइनस 10 लाख इंटू 3.6048 माइनस 50 लाख, एनपीवी नेगेटिव आ गया 88460। और इतना एनपीवी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.30, दैट इज 30%। पुअर के अलावा और क्या बचा? नॉर्मल, कितना यूनिट्स? 2 लाख ये तो किया है, माइनस 10 लाख इंटू 3.6048 माइनस 50 लाख, ये तो निकला हुआ है 112.8160। सर नॉर्मल के अलावा क्या आ जाएगा? अच्छा प्रोबेबिलिटी कितना है इसका? 60%। तो नॉर्मल के अलावा और क्या दिखाई दे रहा है आपको? गुड, चलती नौ तो गुड 10% होगा। अच्छा 2,25,000 यूनिट्स,13.50 into 2,25,000 minus 10 lakh into 3.6048 minus 50 lakh, 13.50 into 2,25,000 minus 10 lakh into 3.6048 minus 50 lakh। तो ये आ गए एनपीवी 2,34,478,000। एक्सपेक्टेड एनपीवी पूछा है तो मैं निकाल देता हूं कितना आ सकता है, माइनस 88,460। प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3 प्लस 112,8160, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 प्लस 2,34,478,000 इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 0.10। NPV, expected NPV हो सकता 8,84,836। Calculate expected NPV and give your decision whether the company should accept the project or not। बेटे अब आपको decide करने के accept करे कि नहीं करे। तो मेरे ख्याल से expected NPV positive है तो हमको पक्का पक्का project को accept कर लेना चाहिए। लेकिन practice manual ने एक चीज को और consider किया, वो ये किया है कि कहीं ना कहीं एक बात लिखी थी एक्सेप्टेंस लेवल 20% कहीं लिखा है। हाँ सर, एक्सेप्टेड लेवल ऑफ रिस्क इज 20%। अगर ये लाइन है कहां लिखा है पता ना, एक्सेप्टेड लेवल ऑफ रिस्क इज 20%। अगर यहां तक मेरे दिमाग में ये बात आती तो मैं क्या करता, मतलब एनपीवी निकालता, निकल गया एक्सपेक्टेड, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालता, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल के फिर सोचता कि यार एक्सेप्ट उसको 20% होगा।
इन लोगों ने क्या कर रखा, प्रैक्टिस में ऐड हुआ है तो इन्होंने क्या कर रखा, सीधा सीधा क्वेश्चन कर दिया, बोले देखो भाई नेगेटिव एनपीवी नहीं आना चाहिए, और नेगेटिव भी आना चाहिए तो 20% तक हम झेलने को तैयार, लेकिन आपका नेगेटिव 20% से ऊपर आएगा तो हम रिजेक्ट करेंगे। इट मीन्स बोले हम 20% एक्सेप्ट करते हैं, नेगेटिव 18% है प्रोबेबिलिटी नेगेटिव आने की चलेगा, लेकिन अगर 20% से ज्यादा है नेगेटिव आने की प्रोबेबिलिटी तो हटाओ, और यहाँ प्रोबेबिलिटी 30% कि एनपीवी नेगेटिव आएगा तो हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा एक्सेप्टेंस लेवल सिर्फ 20% है। इस तरह से प्रैक्टिस मैनुअल ने सॉल्व कर रखा, तो वैसे ही मुझे भी सॉल्व करना पड़ेगा, और मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ वही बात जो पीएम में लिखा हुआ। सेंस probability of negative NPV is 30%, but acceptance level only 20%, as रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। इस वाले पॉइंट पे मैं खुश नहीं हूं, पर यार मेरी एडवाइस नहीं चलेगी, पीएम फॉलो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनाया हमने 53। तो अब बेटे एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सेंसिटिविटी एलिमेंट्स। एक क्वेश्चन और, वैसे तो दो क्वेश्चन बचे हैं, तो एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे दूंगा, क्वेश्चन नंबर 37 पेज नंबर 15 ले लेना, है ना। क्वेश्चन नंबर 37 पेज नंबर 15, अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है बेटे, सेंसिटिविटी एनालिसिस बिल्कुल ध्यान से समझना पड़ेगा, पढ़ें। लिखा हुआ है The Easygoing Company Limited is considering a new project. ठीक है जी, नया प्रोजेक्ट में पैसा लगाना with initial investment for a product. ठीक है भाई, for a product survival. It is estimated that IRR of the project, IRR. सर IRR एक ऐसा रेट है जिसपे NPV जीरो है, तो गिवन IRR दिया है 16% पर। इसका मतलब क्या होता है IRR का, अगर मैं कैश इनफ्लो को IRR से डिस्काउंटिंग करूं, IRR से, तो वो ना आउटफ्लो आ जाता है। मतलब IRR एक ऐसा रेट है जिसपे PVCI इज इक्वल टू PVCO, ये हमने पढ़ा। दूसरी लैंग्वेज में बोलूं कि मैं कैश इनफ्लो को IRR से डिस्काउंटिंग करूं तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आ जाता है। लाइफ है 5 इयर्स, प्रोजेक्ट का लाइफ है 5 इयर्स, फाइनेंशियल मैनेजर हैज स्टडीड दैट प्रोजेक्ट विथ सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड इन्फॉर्म दैट एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट सेंसिटिविटी। अच्छा, एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट का सेंसिटिविटी है 7.8416%, ठीक है। वेयर इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेंसिटिविटी, सीओसी का सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी 60%, ठीक है। आगे अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल आर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है 70%, पीवी रेशियो 70%, इट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 30%, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है ₹60,
तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकल सकता है? यस सर, 60 डिवाइडेड बाय 30%। ₹200 तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल सकता है? यस सर, 140। इसके अलावा क्या दिया? इसके अलावा एनुअल कैश फ्लो दिया, मतलब सीएफटी दिया 57,500। इग्नोर डेप्रिसिएशन ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड इंपैक्ट ऑन टैक्सेशन। मैं नंबर वन पे मांगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, तो मैं आपको बता रहा था अगर कैश इनफ्लो जो दे रखा ना 57,500, इसको मैं आईआरआर से डिस्काउंटिंग करूं तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ जाता। बिल्कुल बेसिक चीज है और इसमें मुझे समझाने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है सर। तो पॉइंट नंबर वन में निकलेगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। इनिशियल इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? जो सीएफएटी इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं पीवीएआर, रेट कौन सा चाहिए? आईआरआर चाहिए, ठीक है। सीएफएटी दिया हुआ क्वेश्चन में 57,500 और डिस्काउंटिंग रेट दिया हुआ है, ये भी कितना परसेंट के हिसाब से? 16% का फैक्टर, देखो 5 साल का 16% 3.275। तो ये आ गया बेटे ₹188,255 इनिशियल। दूसरे में क्या मांगा है? एनपीवी। और एनपीवी कैसे निकालते हैं हमको आता है? एनपीवी इज इक्वल टू पीवीसीआई माइनस पीवीसी। हर साल कितना? 57,500 पर यहां जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा पीवीएफ, लेकिन याद रखना कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए और कितने साल का? 5 साल। IRR का रेट नहीं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। इसमें से माइनस कर देंगे 188,255। समस्या ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा कहां से? इंपॉर्टेंट है ये कहां से आएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं दिया पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सेंसिटिविटी दिया हुआ है 60%। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या, तो हमने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? हमने कहा था सेंसिटिविटी निकालने का एक तरीका यह है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितना भी रेट होगा, जितना भी मान लो मन से बोलो 5%, तो सेंसिटिविटी का मतलब है कि मैक्सिमम कितना परसेंटेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ाए कि एनपीवी जीरो आ जाए, और उस रेट को आप क्या बोलते हो? आईआरआर। इट मीन्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कितना रेट आगे आप एक्सेप्ट कर सकते हो, बुरा से बुरा होगा तो कितने रेट को आप एक्सेप्ट कर सकते हो? आईआरआर को एक्सेप्ट कर सकते हो। आईआरआर दिया 16%। जब आईआरआर दिया है 16% तो पक्का हमारा काम तो हो जाएगा। हमें क्या मालूम है? सेंसिटिविटी मालूम है, उसको मैं यहाँ वर्किंग नोट जैसा बना लेता। सेंसिटिविटी इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू ओरिजिनल रेट कितना था? आईआरआर, ऐसा करो, माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही होना चाहिए। सेंसिटिविटी इन सीओसी ये दिया हुआ कितना परसेंट? 60%।
IRR दिया 16%, 0.16 कर दो माइनस COC डिवाइडेड बाय COC, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0.60 COC इज इक्वल 0.16 माइनस. अब ये वाला यहां वन सुपर है तो ये वाला यहां जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 1.60 COC इज इक्वल 0.16, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल 0.16 डिवाइडेड बाय 1.6. आंसर कितना आ गया 0.10 दैट इज 10%. सर बेसिकली मीनिंग क्या बेटे, बेसिकली मीनिंग बिल्कुल सिंपल सी बात है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%. अगर भगवान ना करे बुरा बुरा हो तो कितना बुरा हो, बोले हम 60% जो अभी 10% है ना, अगर बुरा से बुरा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़े तो कितना हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, 60% ऊपर मतलब 16% तक एक्सेप्ट कर सकते हैं, इस तरह से हमने सेंसिटिविटी निकाला होगा. ठीक है, तो यहाँ डिस्काउंटिंग रेट अब कितने परसेंट का लेना पड़ेगा हमको, 10%. 10% और 10% का PVAF है 3.79. ये वर्किंग में यहां से हटा देता है, इसको दिखाना है आपको भाई, कॉपी में लिख लेना. चलो जी देखते कितना आएगा, 57,500 × 3.791 माइनस 188,255, ये एनपीवी आ गया 29,727.5. तीसरे नंबर पे मांगा है एनुअल फिक्स कॉस्ट, एनुअल फिक्स कॉस्ट और एनुअल फिक्स कॉस्ट का साइज सेंसिटिविटी दिया हुआ, तो उसका फॉर्मूला तो हमको मालूम है. यस, ओके, सेंसिटिविटी इन एनुअल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू एनपीवी डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स कॉस्ट, ये कितना दिया है 7.8416% इज इक्वल एनपीवी कितना है जी 297.50 डिवाइडेड बाय यहां क्या ले लो एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ सकती है कि यस, फिर एक्स की वैल्यू निकाल ले 297.50 डिवाइडेड माय 7.8416% तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल एनुअल फिक्स कॉस्ट आ जाएगा 297.50 डिवाइडेड बाय 7.8416%, तो ये आ गया बेटे रुपीस 3790. This is present value of annual fixed cost. और present value of fixed cost कैसे निकला होगा? Sir, annual fixed cost multiply हुआ होगा PVAF COC का. तो ये आया 3790.99 annual fixed cost हो गया X और PVAF COC का है 3.791. X की वैल्यू आ गई 379099 डिवाइडेड बाय 3.791, तो आंसर कितना आएगा रुपीस 1,00,000. तीन पॉइंट हो चुके, चौथा क्या है
एस्टिमेटेड एनुअल यूनिट्स ऑफ सेल्स, कितना सेल्स कर रहा, कितना यूनिट से बेच रहा, एस्टिमेटेड यूनिट्स ऑफ सेल्स। देखो सुनो बेटे ध्यान से, मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा चला बताना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 57,500 और फिक्स कॉस्ट कितना है 1,00,000। याद है आप मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ा करते थे आईपीसीसी में, और उसमें लिखा लिखते थे निकालते थे सेल्स एट डिजायर्ड प्रॉफिट। हमें फिक्स कॉस्ट रिकवर करना हर साल और हमें ये प्रॉफिट भी चाहिए 57,500। तो टोटल मिलाकर मुझे फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट कितना 1,00,000, प्रॉफिट कितना 57,500, इतना रिकवर करना है। और कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 140, तो सेल्स निकल सकता है। यस, ये तो हमने किया हुआ, मार्जिनल कॉस्टिंग आ गया इसमें। सेल्स इन यूनिट्स इज इक्वल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सर की फॉर्मूला है नहीं बेटे, ये लॉजिक है, और ये लॉजिक मैं अभी आपको यहां समझा नहीं चाहता, आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट कितना 1,00,000, प्रॉफिट कितना कमा रहा है 57,500, एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना 140, आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा 1,125 यूनिट्स बेचना पड़ेगा। एंड लिखा है पॉइंट नंबर 5, ब्रेक इवन, ये तो बचपन से पढ़ा हुआ ब्रेक इवन यूनिट्स। तो बीपी निकालना आपको आता है, यूनिट्स में निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट कितना 1,00,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना 140, आंसर आ जाएगा। एक लाख डिवाइडेड बाय 140, आंसर आ गया 714.286 यूनिट्स अप्रोक्स ले लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने कहा था अच्छा क्वेश्चन है सेंसिटिविटी एनालिसिस का, इसको एक बार तो आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 36 होमवर्क है, इसी के जस्ट पहले क्वेश्चन नंबर 36 पेज नंबर 14, दिस इज होमवर्क, कोई डाउट हो तो सीधा पूछ लेना। तो ये हमारा सेंसिटिविटी एनालिसिस खत्म हुआ, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इन्फ्लेशन इन कैपिटल।